हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। गाइस, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग जो कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़े। एक्चुअली मुझे पता है आप सब लोग जो है भाई सीए फाइनल लेवल पे हो, लेकिन काफी सारे लोग जो है को कैपिटल बजटिंग बेसिक्स में कहीं पे किसी को वीकनेस होगी तो फिर वो एडवांस कैपिटल बजटिंग समझ नहीं पाएंगे। तो इनिशियल की एक दो क्लासेस जो है हम लोग टू क्लासेस तक मान लेते हैं बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और इवन जो आपके सीए फाइनल में एडवांस कैपिटल बजटिंग में भी उन्होंने रखा हुआ है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैविंग एन इक्वलाइज रिप्लेसमेंट प्रपोजल या रिपेयर वर्सेस रिप्लेस या रिप्लेस नाउ और लेटर प्रपोजल ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल, ये वाले फंडामेंटल्स सीए फाइनल में भी रखे हुए हैं। ये वाले फंडामेंटल्स जो है इंटरमीडिएट में भी थे, फाइनल में भी है। तो एज सच आप लोगों को मैं ये वाले फंडामेंटल्स से ही पहले शुरू करवाऊंगा, पहले बेसिक्स, ये वाली टेक्निक्स, एंड देन वील टॉक अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, वील टॉक अबाउट इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इन कैपिटल बजटिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कैपिटल बजटिंग रादर डीसीएफ तो पूरे फाइनल के सिलेबस में छाया हुआ है। डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज तो भाई वैल्यूएशन इवैल्यूएशन हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जरा समझते हैं कि हम लोग जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है क्या। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू योर रिविजनरी पॉकेट बुक के फंडामेंटल्स। ठीक है गाइस, हियर वी गो, लेट अस सी नाउ। ये आपका बेसिक्स यहां पर जो है ये इंटरमीडिएट लेवल से शुरू कर रहा हूं मैं, है तो एडवांस कैपिटल बजटिंग, बट ये इनिशियल पेजेस जो है ये बेसिक्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग के। भाई बंदा सोच रहा है यार गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदूं भाई, मेरे पास मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोजेक्ट्स की जरा। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके सामने हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, तो वो प्रोजेक्ट्स को आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई हमारे पास एक कंपनी है, एक बिजनेस एंटिटी है, वो हो सकता है वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहे ऑफ द बिजनेस के, यार जिस बिजनेस में है यार आजकल पता नहीं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए या लेट्स से कुछ अचानक ही कोई जो है कोई इनोवेशन आ जाए कि पुरानी वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो हमारा पुराना बिजनेस है एकदम से खत्म हो जाए। वेलिंग बिजनेस, वेल्स ऑयल का जो बिजनेस था वो कंप्लीटली खत्म हो गया, वेल को मारना एटसेट्रा बिल्कुल खत्म हो गया, जब कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल का जो है आइडेंटिफिकेशन हुआ, रही यार ये तो बहुत है हमारे पास अबंडेंस में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को सिर्फ डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस। बहुत सारी कंपनीज, आप टाटास की बात कर लो, रिलायंस की बात कर लो, बिरलास की बात कर लो, सब लोग जो है मल्टीपल बिजनेसेस में है। ठीक है जी, और एनी बिजनेस एंटिटी विच वॉन्ट्स टू यू नो ग्रो एंड यू नो सेफगार्ड इटसेल्फ, सारी चीजें सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, तो वो जनरली मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस में घुसते हैं। तो नया प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकते हैं या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर एक एंटिटी है, नई कंपनी है, उसका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट उसका नया प्रोजेक्ट है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग कंपनी है अगर, ठीक है, तो वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है, यार हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अलावा किसी और बिजनेस में करना चाहते हैं, तो इट में इवैल्यूएट ऑप्शंस की कंडक्ट करें, स्टार्ट करें न्यू प्रोजेक्ट न्यू बिजनेस। अब उसमें क्या है, ये बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस से रिलेटेड होगा वो अभी आगे आएगा एक्सपेंशन में। तो ये क्या है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, नई कंपनी नया बिजनेस, तो नया बिजनेस है। एग्जिस्टिंग कंपनी नया बिजनेस, अनरिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उस केस में हम लोग जैसे एक कंपनी जो है टेलीकॉम बिजनेस में है वो कहते हैं यार रिटेल में आएंगे या सीमेंट बिजनेस में आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम बिजनेस में अगर बात करते हैं, भारती वाज इन यू नो दिस टेलीकॉम एंड दे वांटेड टू वेंचर इनटू रिटेल, बट वो थोड़ा उनके लिए गड़बड़ हो गई कि वॉलमार्ट के साथ जो उनका था अग्रीमेंट उनको एफडीआई अलाउ नहीं हुआ एंड काफी इश्यूज पड़ गए। फिर उसके बाद जो है लेकिन टेलीकॉम में अगर मैं बात करूं रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है जियो, उन्होंने एक तरफ फॉर्म किया, दूसरी तरफ वो रिटेल में भी आ गए। इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं बिरलास जो है वो उनका दे आर इनटू सीमेंट बिजनेस, दे आर इनटू आइडिया, उनका टेलीकॉम में भी है वो लोग एज द केस में भी। तो एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी कर सकते हैं आप किसी और कंपनी को भाई, जो कि ऑयल बिजनेस करती है, जहां हम लोग जो है मेटल बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऑल दीज आर डाइवर्सिफिकेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स न्यू बिजनेस। खैर, जो मर्जर्स एक्विजिशन के एस्पेक्ट्स है वो तो हम लोग सेपरेटली मर्जर्स एंड एक्विजिशन के चैप्टर में पढ़ते हैं।
वैल्यूएशन के एस्पेक्ट्स हैं कि भाई वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करना है, टारगेट कंपनी का अगर, तो वैल्यूएशन भी हम लोग जो है सेपरेटली पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर हम लोग कहें कि भाई हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ इकोनॉमी है और ग्रोथ जो है हमारी इंडस्ट्री में हो रही है, हमारी सक्सेसफुल फर्म है और ग्रोथ चल रहा है, डिमांड बहुत बढ़ रही है प्रोडक्ट लाइन की, तो उस केस में वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन, सेल्स आउटलेट्स एक्सपैंड कर सकते हैं, अपना साइज एंड स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई हम लोग एक्सपेंशन करें। अब एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई पुरानी मशीन को नई मशीन से रिप्लेस कर दें, तो भाई पुरानी मशीन 10,000 यूनिट्स बनाती थी, नई वाली जो है 20,000 25,000 यूनिट्स बनाएगी, 15,000 बनाएगी, व्हाटएवर, या फिर ऐसे केस में भी बिल्कुल नई मशीन खरीद ले, पुरानी चलती रहेगी, या फिर मर्जर, अगेन इनऑर्गेनिक जो है ग्रोथ वो हम लोग जो है सेपरेटली पढ़ेंगे, बट स्टिल ये भी अल्टीमेटली एक्सपेंशन ही कर रहे हैं आप। टारगेट कंपनी का एक्सपेंशन वो हम लोग इसके क्वेश्चंस तो वहां पे सेपरेटली करेंगे, बट यस एक्सपेंशन आप मर्जर से भी कर सकते हो। कंडक्टिंग सिमिलर बिजनेस, जो कि हम लोग हमारी कैपेसिटी हम लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल केसेस भी हम लोग जो है M&A में देखते हैं, यहां पर नहीं, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल्स। कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल्स की अगर मैं बात करूं, इन केस एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कि डिजायर कर रही है कि यार रिड्यूस कर लें अपनी प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपने ऑपरेटिंग खर्चे को कम कर लें, इट में इवैल्यूएट वो कैसे कर सकते हैं, खर्चे कम कैसे कर सकते हो। एक तो मैं कहता हूं यार आप इवन रिप्लेसमेंट प्रपोजल कर सकते हो कि यार पुरानी मशीन जो है हमारी 10,000 यूनिट्स बनाती है और 10,00,000 रुपए खर्चा करती है, नई मशीन जो है 10,000 यूनिट्स बनाएगी और 6,00,000 रुपए का खर्चा करेगी, वाओ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे क्या है हमें कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल। या फिर मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन, पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअल ऑपरेशंस करते थे या सेमी ऑटोमेटिक था, अब हम लोग मैकेनिकल या कंप्लीट ऑटोमेटिक ऑटोमेशन कर रहे हैं इस केस में भी, या फिर मेक करें या बाय करें, जो भी हमें कॉस्ट कम करेगा, अगर बाहर से आउटसोर्सिंग से हमें कम पड़ेगा तो वो करेंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे कोई कंपोनेंट तो वो जो भी हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट होगा वो हम लोग प्रेफर करेंगे। रिपेयर वर्सेस रिप्लेस प्रपोजल, कि भाई हम लोग अपर हमारा कोई एसेट है उसकी टूट फूट हो गई है, या तो उसको रिप्लेस कर दें या फिर उसको रिपेयर करा के चला लें, तो दिस इज अगेन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, जिसके खर्चे कम होंगे, जो हमें जो है जिसके नुकसान या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस कम होगा वो हम लोग प्रेफर करेंगे। इस तरीके से ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल, कि हम एक नया असेट खरीदने वाले हैं, वो नया असेट खरीदेंगे, उस असेट को कितने साल बाद रिप्लेस करें, भाई आज असेट खरीदा, एक साल, हर एक साल बाद या हर दो साल बाद या हर तीन साल बाद या हर चार साल बाद, इन सब का हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखना है इस केस में भी। तो रिप्लेसमेंट प्रपोजल जो है हमारी कॉस्ट रिडक्शन भी कराता है, एक्सपेंशन भी कराता है, डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अदर प्रपोजल्स की बात करें, जैसे कोई सेफ्टी एनवायरमेंटल कुछ है भाई, हमें लेट्स से एन एग्जांपल, हमें पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदना है, या हमें विंडमिल लगानी है, या हमें जो है सोलर पैनल्स लगाने हैं। अब यहां पर जो है कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, और मे बी इसमें कॉस्ट सेविंग ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में कोई कॉस्ट सेविंग नहीं होती, हमें गवर्नमेंट कहती है यार एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन आप सीधा नहीं कर सकते, आपको जो है ये पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप एयर छोड़ोगे या वाटर में जो है एज द केस में भी अपने ट्रेड इन्फ्लुएंस छोड़ोगे। तो उस हिसाब से एनवायरमेंटल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, भाई गवर्नमेंट कहती है हमें जो है लेट्स से फायर सेफ्टी के लिए आपको जो है फायर हाइड्रेंट्स लगाने हैं, आपको पाइप लगानी है, आपको जो है मोटर लगानी है, व्हाटएवर टैंक्स लगाने हैं, तो ये सारा का सारा जो है दिस इज इन ऑर्डर टू डू आर बिजनेस, ये हमें करना है, तो जो जिसकी भी हमारी लीस्ट कॉस्ट होगी वो हम लोग प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो, उन प्रोजेक्ट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। पहले एक बार क्विकली देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स कौन से होते हैं। गाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द डिसीजंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं, टू और मोर प्रपोजल्स हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन सब में से एक ही चुन सकते हैं, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव चुनना है, तो अल्टरनेटिव प्रपोजल्स में से हमें एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज द ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर। इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग अ मैरिड डिसीजन, आउट ऑफ म्यूचुअल, आउट ऑफ सो मेनी यू हैव टू चूज एक्सक्लूसिव वन, तो म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव। इसी तरीके से आपको टेक एन एग्जांपल, आपने एक कार खरीदनी है, कौन सी लूं, CNG लूं, बैटरी ऑपरेटेड लूं, पेट्रोल वाली लूं, या अभी भी अगर डीजल चल रही है तो डीजल वाली लूं, कौन सी लूं, विच वन शुड आई बाय, तो आउट ऑफ म्यूचुअल वी हैव टू चूज वन एक्सक्लूसिव। या फिर टेक एन एग्जांपल, एक फर्म को जो है इंस्टॉल करनी है सेमी ऑटोमेटिक या हाईली ऑटोमेटिक मशीन, कौन सा लें, सेमी ऑटोमेटिक लें या हाईली ऑटोमेटिक लें, तो फर्म अगर पेट्रोल कार बाय करेगी तो उस केस में जो है वो बैटरी ऑपरेटेड कार को एक्सक्लूड कर देगी। तो अल्टीमेटली क्या है, इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज द ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो ये है म्यूचुअल में से, मोर देन वन में से एक एक्सक्लूसिव चुनना है।
फिर इसके बाद बारी आती है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस या इंडिपेंडेंट डिसीजंस. एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस या इंडिपेंडेंट डिसीजंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे को यार टू और मोर प्रपोजल्स हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को एक्सेप्ट करना जरूरी है, या एक को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को रिजेक्ट करना जरूरी है. नहीं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट या इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स. टू और मोर प्रपोजल्स तब इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स होंगे जब वो आपस में कम्पीट नहीं कर रहे. भैया इसको इंडिविजुअली देखो, उसको इंडिविजुअली देखो, सभी इंडिविजुअली आप स्टडी करो, ईच अदर से कोई लिंक ही नहीं है. लेट्स से यू हैव गॉट फोर प्रोजेक्ट्स ए बी सी डी, आप इनमें से एक चुनना चाहते हो, कोई भी दो चुनना चाहते हो, कोई भी तीन चुनना चाहते हो, या चारों चुनना चाहते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है. यू कैन चूज एनी और मेनी. कहने का मतलब इन प्रपोजल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल. व्हेन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल डज नॉट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर प्रपोजल्स. एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से दूसरे के एक्सेप्ट या रिजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हमारे ऑल द फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा. सारे जितने भी प्रॉफिटेबल या फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. फिर बारी आती है गाइस कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजंस या कंटिजेंट डिसीजंस. इसमें क्या, टू और मोर प्रपोजल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री या कंटिजेंट डिसीजंस वो तब होंगे जब दे आर डिपेंडेंट प्रपोजल्स. कहने का मतलब टू और मोर प्रपोजल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, टू और मोर प्रपोजल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल इंप्लाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स. एक को एक्सेप्ट किया तो सारे एक्सेप्ट करो, या रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल इंप्लाइज द रिजेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स. एक्सेप्टेंस ऑफ वन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, rejection of one, rejection of all. In other words, हम लोग क्या कह रहे हैं, investment जो है एक proposal में हम लोगों को सभी proposals को हाँ करना पड़ेगा. Example, let's say आपको एक factory remote area में लगानी है तो आपको invest करना पड़ेगा infrastructure में भी. आपको roads भी बनानी पड़ेंगे, houses of employees भी बनाने पड़ेंगे, etc. Maybe hospitals or schools भी बनाने पड़ रहे हैं. बहुत सारी companies को जो है remote area में setup करने के लिए, क्योंकि वहाँ employees चाहिए होंगे तो उनको वहाँ पे medical facility, residence and you know infrastructure proper this medical assistance, education to children, ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो वो भी सारी चीजें उन लोगों को इकट्ठे लेनी पड़ेगी. या टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से एक कंपनी कहती है यार आप हमारा एक्सक्लूसिव जो है ऑटोमोबाइल का आप राइट लो कि भाई आप हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम खोलोगे, लेकिन शोरूम खोलने के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, यू विल हैव टू अलॉन्ग विद दिस शोरूम, आपको हमारे इस शोरूम के साथ साथ आपको लेना पड़ेगा हमारा सर्विस स्टेशन भी. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक के साथ दूसरा लें. तो दिस इज what we are talking about is complementary proposal. Acceptance of one means acceptance of all, and rejection of one means rejection of all. Agar aapko nahi ji hum ye nahi karenge to theek hai wo bhi mat karo. That is the fundamental. Once again, mutually exclusive, mutual ya more than one mein se exclusive ek chunna hai. Complementary, sabhi ko ya to chuno, accept all or reject all. Independent, sare alag alag hai, sare different hai, sabka accept reject alag hai. एक की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन दूसरे की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पे कोई फर्क नहीं डालती. यू एक्सेप्ट वन, यू एक्सेप्ट एनी, यू एक्सेप्ट मैनी, डजंट मैटर. ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे. ओके गाइस, कैपिटल बेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारी हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स, दैट इज नॉन डीसीएफ टेक्निक, जिसे हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं और एआरआर कहते हैं. देन मॉडर्न टेक्निक्स या डीसीएफ टेक्निक्स हमारी हैं, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये सारी टेक्निक्स है, एक बार जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहली चीज गाइस पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड क्या चीज है? पेबैक पीरियड पहले ही बता दूं, ये पेबैक पीरियड और जो एआरआर है ये नॉट इन सीए फाइनल है. दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड सीए फाइनल में. एक दो ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब आप IRR एटसेट्रा निकालते हैं या कहीं पे सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो वहां पर स्टिल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की जरूरत पड़ जाती है, वहां पर जरूरत पड़ जाती है. फिर इसी तरीके से एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में जो है कोई ये जो है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सक्लूसिवली नहीं रखा गया, बट आगे चल के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है बॉन्ड्स सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, बॉन्ड्स में रियलाइज यील्ड का कॉन्सेप्ट. तो उसके लिए यू शुड नो कि रियलाइज यील्ड के कॉन्सेप्ट में भी री इन्वेस्टमेंट जो है जिस रेट पे आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, जिस रेट पे री इन्वेस्ट कर पा रहे हो उसी के हिसाब से हमने रियलाइज करना है यील्ड या रिटर्न. तो ये मॉडिफाइड IRR भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, बेसिक्स देखेंगे. अच्छा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ठीक है, इट विल हार्डली टेक अस एनी टाइम. IRR पे हम लोग टाइम लगाएंगे. IRR इस चैप्टर में भी काम आएगा, आगे के भी कुछ चैप्टर्स में, कई चैप्टर्स में यील्ड टू मैच्योरिटी आप पढ़ते हो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, उसमें काम आता है, कई एरियाज में काम आता है. देन इस तरीके से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमारे जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस आगे चल के रिस्क अनसर्टेंटी पढ़ेंगे उसमें काम आएगा काफी.
देन इसी तरीके से एनपीवीआई मेथड जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है जी, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड इसको इसलिए मैं कह देता हूँ नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट यस ये मॉडिफाइड आईआरआर इज गोइंग टू कम आगे, हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जब रियलाइज यील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर यूज होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जस्ट फॉर नॉलेज पेबैक पीरियड क्या होता है, पेबैक पीरियड होता है कितने साल में या कितने पीरियड में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है। इसमें अगर एनुअल कैश इनफ्लो सेम आते हैं तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, लेट्स से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और हर साल हमें जो है लेट्स से एन एग्जांपल 2 लाख रुपीस पर एनम आना है अगले 10 साल तक, तो ठीक है जी 5 साल आ गया हमारा पे बैक पीरियड, 5 ईयर्स। जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए इफ एंटीसिपेटेड नेट एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल अमाउंट्स के होते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। अगर आपके नेट एनुअल कैश इनफ्लोज अनइक्वल अमाउंट्स है तो क्यूमुलेट करके देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यूमुलेट करेंगे, एडअप करेंगे नेट कैश इनफ्लोज को कि भाई कितना इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लोज आ जाता है। टेक एन एग्जांपल, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10 लाख रुपए, ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, वन ईयर में आ रहा है 2 लाख, सेकेंड ईयर में आ रहा है 3 लाख, थर्ड ईयर में आ रहा है 4 लाख, फोर्थ ईयर में आ रहा है 5 लाख, फिफ्थ ईयर में आ रहा है 6 लाख, ऐसे करके। अब क्या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज या एड अप कर दो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। अब इस केस में क्या पहले साल में 2 लाख 10 लाख हो गया, नहीं, 2+3 5 लाख, क्या 10 लाख हो गया, नहीं, 5+4 9 लाख, क्या 10 लाख हो गया, नहीं, ये 14 लाख, यस, ये यहां पे बैक हो गया। तो हम कह रहे हैं 3 और 4 के बीच में पे बैक पीरियड है, तो यहां पे बैक पीरियड अगर निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, हम कहते हैं यार 3 ईयर्स में पे बैक तो नहीं हुआ, 3 ईयर में अगर मैं 1 ईयर और ऐड करता हूं तो मुझे आता है 5 लाख रुपए, और मुझे 9 लाख रुपए आ चुका है, मुझे 10 लाख रुपीज चाहिए, मींस 1 लाख रुपए की शॉर्टेज है, तो आई नीड 1 लाख रुपीज, बट इस पूरे एक साल में 5 लाख रुपए आ रहा है, अगर इस एक साल में 5 लाख रुपए आ रहा है तो मुझे बताओ कितने पार्ट ऑफ द ईयर में 1 लाख आ जाएगा। वंस अगेन 5 लाख पूरे एक साल में आ रहा है तो 1 लाख कितने पार्ट ऑफ द ईयर में, 0.2 में, तो ये 3.2 ईयर्स मेरा जो है आ जाएगा पे बैक पीरियड। जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। डिसीजन क्राइटेरिया में हम लोग क्या कहते हैं, जनरल रूल कहते हैं जितना जल्दी पे बैक हो जाएगा उतना अच्छा है, स्पेसिफिक रूल वो प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करेंगे जिनका स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड हमने कुछ मैनेजमेंट जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, हम वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिनका पे बैक 3 साल 4 साल, प्रैक्टिकली कम यूज होती है टेक्निक, बट एंटिटीज ये कह सकते हैं कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट वहीं करनी है जहां मेरा पे बैक जो 3, 4, 5 ईयर्स वॉट एवर एक कुछ स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड या मैक्सिमम पे बैक पीरियड फिक्स बाय द मैनेजमेंट होगा, वो उस हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट लेट्स से हमने फिक्स कर दिया 4 इयर्स, तो 4 इयर्स के अंदर अंदर वाला प्रोजेक्ट है पेबैक वाला तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज देन वील नॉट एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट अगर 4 साल से ज्यादा है। तो अगर मोर देन वन प्रपोजल है इंडिपेंडेंट में, सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, अगर आपने सिर्फ पेबैक पीरियड के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो जिनका भी स्टैंडर्ड या मैक्सिमम पेबैक पीरियड के अंदर अंदर है वो सारे के सारे चुन लो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में जिसका भी अर्लीस्ट है, म्यूचुअल में से एक्सक्लूसिव लेना है तो वो पेबैक पीरियड जिसका की द प्रपोजल हैविंग द अर्लीस्ट पेबैक पीरियड, जिसका भी सबसे पहले आ रहा है विद इन द स्टैंडर्ड या मैक्सिमम पेबैक पीरियड, जिसका भी अर्लीस्ट है वो चुनना है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या अलग अलग पेबैक पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है, कंबाइन करो सिंगल पेबैक पीरियड सारे कैश आउटलोस कैश इनफ्लोस सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स के कंबाइन करके और उसके बाद एक पेबैक पीरियड निकालो और वो स्टैंडर्ड या मैक्सिमम पेबैक पीरियड के अंदर अंदर आता है, तो ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स शुड बी एक्सेप्टेड। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या एआरआर एज द केस पे भी, ये भी टेक्निक नॉन डीसीएफ टेक्निक है, जस्ट फॉर नॉलेज है। तो एवरेज पीएटी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स प्लस नेटवर्किंग, अभी लॉन्ग टर्म फंड से जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो, या फिर कई लोग कहते हैं नहीं यार इसमें एवरेज पीएटी डिवाइड बाय, जब न्यूमरेटर एवरेज ले रहे हो तो डिनोमिनेटर भी एवरेज ले लो। न्यूमरेटर एवरेज कैसे लेते हैं, पीएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, पीएटी का सम, जैसे 10 साल के पीएटी है तो उनको सम करो, 10 ईयर का प्रोजेक्ट है 10 ईयर्स के पीएटी डिवाइड बाय 10 कर दो, ये एवरेज पीएटी आपका आ जाएगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चलो शुरुआत में जितना पैसा डाल रहे हो, यहां एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू मींस एंड में हमारे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की वैल्यू होगी, मींस हमारे एंड में हमारे फिक्स असेट्स की जो भी रिकवरेबल होगी और नेट वर्किंग कैपिटल की जितनी भी रिकवरेबल वैल्यू होगी इनको आप ले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, तो ये एनुअल पीएटी जो है ये हम लोग अगर कभी सीएफटी दिया हो, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दिया हो, तो हम लोग उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सीएफटी माइनस डेप्रिसिएशन करके।
डिसीजन क्राइटेरिया एआरआर का क्या है, हायर द एआरआर द बेटर इट इज, जितना ज्यादा एआरआर है उतना अच्छा है। जिस अगर आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया बोलते हैं तो यह स्पेसिफिक क्राइटेरिया, देखो मैनेजमेंट ने ना कुछ भी अपनी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फिक्स की हुई होगी। अगर आपके उन प्रोजेक्ट्स का एआरआर मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो उस केस में हम लोग जो है उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और मोर देन वन प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स जिनका मोर देन और इक्वल टू मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उन सब के सब को आप चुन लेंगे। ऑल प्रोजेक्ट्स जिनका इंडिपेंडेंट जिनका भी एआरआर है मोर देन और इक्वल टू मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उन सबको चुन लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में आप क्या करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में जिसका भी हाईएस्ट है, वंस अगेन यहां तो सारे लेट्स से मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, जितने प्रोजेक्ट एबीसीडी है इन एबीसीडी में से जिनका भी 12% या 12% से ज्यादा है सारे के सारे एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में भैया जिसका हाईएस्ट है 12 से कम नहीं होना चाहिए, जिसका भी हाईएस्ट है विल बी चोजन, लेकिन ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, 12% से कम नहीं होना चाहिए। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री में यार इकट्ठा करो, आप क्या करो सिंगल एआरआर निकालो, सिंगल एआरआर बाय कंबाइनिंग द पीएटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स को इकट्ठा उनका पीएटी करो, सबका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, और अगर ये एआरआर मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स जो आप एक्सेप्ट कर लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स को अलग अलग से इवैल्यूएट ही नहीं करना चाहिए, टेक देम एज अ सिंगल यूनिट, सबके पीएटी सम करो, सभी का कैपिटल एम्प्लॉयड सम करो और एक एआरआर निकालो और उसके बेसिस पे अपना चॉइस कर लो। इफ दैट कंबाइंड एआरआर मोर देन और इक्वल टू योर मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है देन एक्सेप्ट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स, और अगर कम है तो रिजेक्ट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट फंडामेंटल इज प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज। लेट्स अंडरस्टैंड, कोई भी प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करते हो तो उसमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज कैसे होते हैं। एक तो भाई आपके कैपिटल आउटफ्लोज होंगे कि भाई हम लोग जो है पैसे लगा रहे हैं, फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फिक्स असेट डेप्रिशिएबल भी हो सकते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। नॉन डेप्रिशिएबल जैसे लैंड हो गया, डेप्रिशिएबल जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स, ये सारे के सारे हो गए। दूसरा नंबर वर्किंग कैपिटल आउटफ्लोज, जो भी आप नेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मींस लॉन्ग टर्म फंड से जो भी करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी नेट वर्किंग कैपिटल में कोई चाहे कैश बैंक स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जितना भी नेट वर्किंग कैपिटल है वो यहां पर जितने भी फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, कैपिटल आउटफ्लोज। वर्किंग कैपिटल में जितना भी नेटवर्किंग कैपिटल दैट इज वो पार्ट ऑफ द करंट असेट जो कि लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस्ड है वो ले लेंगे। और तीसरा रेवेन्यू कैश आउटफ्लोज। रेवेन्यू कैश आउटफ्लोज गाइस कैसे लेंगे, रेवेन्यू कैश एक्सपेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, कोई ना कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मटेरियल होगा, लेबर होगा, रेंट रिपेयर्स होगा, ये सारे खर्चे होंगे, तो रेवेन्यू कैश आउटफ्लोज भी आप जो है लेके चलेंगे एज द केस में भी। अब रेवेन्यू कैश आउटफ्लोज इन सब के रिगार्ड में आप लोगों को अजम्पशंस पता होनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज में एक रेवेन्यू कैश इनफ्लोज होते हैं, एक टर्मिनल वैल्यू होती है। रेवेन्यू कैश इनफ्लोज जैसे सेल्स हो गया, कमीशन इनकम हो गई या रॉयल्टी इनकम हो गई, या फिर लेट्स से सर्विस चार्जेस हो गया, अगर आप सर्विस का बिजनेस करने वाले हो, फीस कोई प्रोफेशनल है या जिस भी तरह की आपने कोई फीस वगैरह चार्ज करनी, कंसल्टेंसी चार्जेस लेने, वो सारे रेवेन्यू कैश इनफ्लोज हो गए। टर्मिनल वैल्यू की अगर बात करें, जब टर्मिनेट होगा प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट रिकवर जब टर्मिनेट होगा तो रिकवरी क्या होगी आपके फिक्स एसेट्स से और नेट वर्किंग कैपिटल से, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे आपको क्या रिकवरी होगी, टर्मिनेशन पे क्या वैल्यू आएगी, दैट इज टर्मिनल वैल्यू। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब बारी आती है जो हमारे कैपिटल आउटफ्लोज है, जैसे हमारा फिक्स एसेट डाला या नेटवर्किंग कैपिटल डाला, ये आपके कैश आउटफ्लोज में जाना है, ठीक है जी। आप इनिशियल कैश आउटफ्लोज जैसे अगर हैं तो वो ले लेंगे। फिर कैश इनफ्लोज में क्या लेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स हो गया, सर्विस चार्जेस हो गया, इवन सेविंग्स इन कॉस्ट हो गया। आप अगर प्रपोजल कर रहे हो कॉस्ट सेविंग के लिए डिसीजन ले रहे हो कि भाई मैं प्रोजेक्ट लगा किस ले रहा हूं कि मेरे पैसे बच जाएं, मेरे खर्चे कम हो जाए, ठीक है। यू आर डिसाइडिंग कि भाई हम लोग जो है रिप्लेसमेंट करें या मॉडर्नाइजेशन करें, मैकेनाइजेशन करें, ठीक है, हम लोग ऑटोमेशन करें, तो सेविंग्स इन कॉस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो भी हम लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तरह ही मान के चलते हैं। तो सेल्स हो गया, सर्विस चार्जेस हो गए, रेवेन्यूज हो गए, रॉयल्टी इनकम हो गई, फीस हो गई, कुछ भी ले लो, व्हाटएवर। तो ये आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हो गए। इसमें से आप ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मटेरियल कॉस्ट हो गई, आपकी लेबर कॉस्ट हो गई, आपका रेंट हो गया, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सारे के सारे खर्चे आप माइनस करते जाओ तो आपका कैश फ्लोज बिफोर टैक्स या सीएफबीटी आ जाएगा। इस सीएफबीटी में से आप डेप्रिशन माइनस करोगे तो पीबीटी आ जाएगा, इस पीबीटी में आप टैक्स निकालोगे तो पीएटी आ जाएगा, इस पीएटी में डेप्रिशन ऐड कर दोगे तो सीएफएटी आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो सीएफबीटी को बोल दो वन,
टैक्स लाइबिलिटी को बोलते हो टू, इसी फॉर्मेट में निकाल के, और फिर वन माइनस टू करके आप सीएफटी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी। तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। और टर्मिनल वैल्यू क्या है कि भाई एंड में टर्मिनेशन होगा तो आपको क्या डिस्पोजल वैल्यू मिलेगी। नंबर एक, आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचोगे उसका नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स अगर है, कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है अगर कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉसेज हो रहे हैं तो उसकी टैक्स सेविंग को कंसिडर करके सालवेज वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स या लॉस ऑन, अगर कैपिटल गेन होगा कैपिटल लॉस होगा तो उस केस में लॉस ऑन कैपिटल असेट, सॉरी लॉस ऑन कैपिटल असेट होगा तो उसका जो हमारे टैक्स सेविंग होगी उसको भी आप एडजस्ट करके, और इस तरीके से नेटवर्किंग कैपिटल की रिकवरी आप जो है ले लेंगे, ये आपके टर्मिनल नेट कैश इनफ्लोस एज द केस में भी आ जाएंगे। अब इसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, ये आपको कुछ ध्यान में रखनी है, आपको ये अजम्पशंस लेके चलने अपने दिमाग में जब भी आप प्रोजेक्ट अंडरटेक करें, जब भी आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करें तो उसमें डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन का वैसे कोई रोल नहीं है इन मेकिंग कैश फ्लोस, कैश फ्लो तो है नहीं, डेप्रिसिएशन उसका टैक्स नहीं है तो कोई डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। अगर टैक्स है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर में शुरू करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं फिर बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि इनिशियल क्वेश्चन में अगर कहीं टैक्स नहीं है तो उस केस में, अगर टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन, देयर इज ओनली रोल कि डेप्रिसिएशन क्या बचाता है, टैक्स बचाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन अलाउंस वर्ड यूज किया जाता है सेक्शन 32 में, तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एक्चुअल कैश आउटलो। तो इसीलिए इसका सिर्फ रोल क्या है कि वो टैक्स बचाता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि क्या रेट या क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है तो उस केस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दोगे, डेप्रिसिएशन का साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहे हो, मेरे को प्रोजेक्ट की इवैल्यूएट करने को बोला, या तो बता दो यार टैक्स पर्पसेस के लिए क्या डिप्रेशन का रेट मेथड क्या है, यू टेल मी, इफ यू आर नॉट टेलिंग मी आई विल टेक इट एसएलएम, नोट देके सॉल्व कर दो, कोई टेंशन नहीं है। नोट नहीं भी दोगे तो एग्जाम में जो है एसएलएम पे सॉल्व कर दिया जाता है मोस्टली। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कई बार जो है वो मेथड या रेट दे देता है, जो देगा हम वो ले लेंगे, साइलेंट होगा तो हम एसएलएम पे लगा देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अगर सेपरेट डेप्रिसिएशन रेट दिए हुए, अकाउंट्स के अलग दिए हुए, टैक्स पर्पसेस के अलग दिए हुए, तो उस केस में गाइज आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को आपको टैक्स पर्पसेस के लिए ही कंसिडर करना है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अगर आपके सेपरेट डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए और टैक्स पर्पसेस के लिए, तो उस केस में सिर्फ टैक्स पर्पसेस, बिकॉज डेप्रिसिएशन का रोल क्या है कि भैया डेप्रिसिएशन टैक्स बचाता है, दैट्स इट। तो अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना, सीएफटी निकालते समय, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकालते समय डेप्रिसिएशन का रोल क्या है, वो टैक्स बचाता है, तो जो टैक्स पर्पसेस का डेप्रिसिएशन है उसी को कंसीडर करना, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि ब्लॉक ऑफ एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, जो हमारे सेक्शन 32 में लिखा हुआ है या फिर सेक्शन 211 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में 2 डेफिनेशन ब्रैकेट में 11, उसमें अगर आपको जो लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ एसेट और फिर ब्लॉक ऑफ एसेट एप्लीकेबल होगा 32(1) सबसेक्शन 1(2) में जो लिखा हुआ है कि भाई सारे असेट्स एक जैसे, हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट अगर बोला हुआ है तो बढ़िया है, नहीं बोला हुआ है तो भैया हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, ब्लॉक ऑफ असेट का कुछ नहीं मेंशन नहीं होगा भाई। अब बढ़ते हैं आगे, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो भाई, अगर हम लोग बोले हम कोई प्रोजेक्ट रेंटेक कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें हम लोग कोई अपने रिसोर्सेज यूज करें जिनकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, जैसे हम अपनी स्पेस यूज कर रहे हैं उसका जो रेंट है, जो हम लेट्स सेकंड एग्जांपल, उसका किराया जा रहा था, जा रहा है, जाता रहेगा अगर हमने किराए पे ले रखी है, तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारा, हमने एक बहुत बड़ी सी जगह किराए पे ली हुई है, हमारा उस जगह का लेट्स सेकंड एग्जांपल 10% एरिया खाली पड़ा है, अभी इस एरिया में लेट्स सेकंड एग्जांपल हमारी कोई अपॉर्चुनिटी है, द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है, हम लोग जो अपने एम्प्लॉइज की बाइक्स, कार्स, व्हीकल्स पार्क करा लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स जो है हायर्ड है, हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स जो है ऑलरेडी हायर्ड है, हमने ऑलरेडी किराए पे ले रखी है, तो इस केस में अब मैं अगर इस पार्किंग को बाहर लगवाऊंगा, अब सोचो इस बिल्डिंग का किराया तो लेट्स सेकंड एग्जांपल 20 लाख रुपए पर एनम है, और इसका अपोर्शन रेंट जो है 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपीज का अपोर्शन रेंट है। अब ये 2 लाख रुपीज का अपोर्शन रेंट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वंस अगेन, 20 लाख रुपए का पूरा 20 लाख रुपीज का जो है हमारा पूरा वो है असेट की वैल्यू है, और 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख रुपीज जो है हमारा अपोर्शन रेंट है। ये अपोर्शन रेंट जो है दैट इज कमिटेड फिक्स कॉस्ट, इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि यार ये तो जा रहा था, जा रहा है, जाता रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी अगर मैं पार्किंग बाहर खड़ी करवाता हूं तो मुझे उसके लिए एमसीडी को 50,000 देना पड़ेगा पर एनम, हम अपने एम्प्लॉइज की गाड़ियां, बाइक, स्कूटर, साइकिल्स, वट एवर एज द केस में बाहर लगवाएंगे, तो उस केस में हमें 50,000 रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो दिस इज रिसोर्स ऑलरेडी हायर्ड, इसको हम लोग जो है, इसकी कोई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इस स्पेस को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, इज माई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से हमने कोई मटेरियल पहले से खरीद रखा है, उसको खरीद रखा है,
वो पड़ा हुआ है मेरे पास और उसकी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने इस पे R&D करी थी, कुछ मटेरियल खरीदा हुआ था, R&D के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया, अब हम सोच रहे हैं इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन करें या ना करें। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 1 लाख रुपए का मटेरियल पहले से खड़ा हुआ है, मैंने परचेज कर रखा है। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हाँ करूंगा तो ये यूज कर लूंगा, ना करूंगा तो इसको स्क्रैप कर दूंगा। तो इस 1 लाख को तो मैं क्या कहता हूं, संक कॉस्ट, ये तो पास्ट में इनकर हो चुकी कॉस्ट, दिस इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसकी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, इस मटेरियल को मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकता हूं, इस मटेरियल को मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकता हूं। तो इसमें अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करूंगा ठीक है तो ग्रेट है, और अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लेट्स से एन एग्जांपल, ये 75,000 का बिक जाएगा तो दिस 75,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिसर्च पेपर्स या मटेरियल्स परचेज इन द पास्ट हैविंग नो अदर अल्टरनेटिव यूज देन द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इसको हम लोग जो है कंसिडर करते हैं। सच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड आर कंसिडर्ड वाइल एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, इनको कंसिडर करना है ठीक है जी, दीज आर रेलिवेंट कॉस्ट। फिर संक कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, कमिटेड फिक्स कॉस्ट भी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। पहले संक कॉस्ट की बात करते हैं, वो कॉस्ट जो कि पास में इनकर हो चुकी है, जैसे मैंने भाई रिसर्च के खर्चे कर दिए वो तो हो चुका, मैं मटेरियल ऑलरेडी पास में या मशीन ऑलरेडी पास में परचेस कर चुका हूं, उसकी जो परचेस कॉस्ट है मशीन की या मटेरियल की पास में, दैट इज अ संक कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट जो मैं पास में इनकर कर चुका हूं वो संक कॉस्ट है। अब लेकिन इसी तरीके से कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, से फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका हूं, यार ये किराया जाना ही जाना है, 20 लाख रुपए का किराया जाने ही जाना है, इसका पोर्शन रेंट एलोकेटेड रेंट जो भी आप कह दो ये हमने कमिट किया हुआ, अगले 10 साल तक हमारा किराया जाना ही जाना है। तो ये दिस विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर आल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल, आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ये खर्चा हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। तो अपोर्शन रेंट ऑफ द स्पेस ऑलरेडी टेकन ऑन रेंट इन द पास्ट, अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये जो हमारे लिए This is irrelevant for decision making. हम लोग क्या कहते हैं? They are irrelevant. Sunk cost, जो खर्चे पास में हो चुके हैं वो भी, और जो committed fixed cost है, these are irrelevant. और क्योंकि ये हमारे project को, हमारे decision को affect नहीं करेंगे। अगर मैं इस project को हाँ करता हूँ, तो जो मैंने research के पास खर्चे किए थे, क्या वो extra खर्च होंगे? नहीं। ना करता हूँ तो क्या वो research के खर्चे बच जाएंगे? नहीं। So it is irrelevant. मैंने material भी या मशीन पास में खरीद रखी थी, मैं अगर ये प्रोजेक्ट को हाँ करता हूं तो क्या ये मटेरियल और मशीन के खर्चे एक्स्ट्रा होंगे? नहीं। अगर मैं ना करता हूं तो क्या वो खर्चे बच जाएंगे? नहीं। वो इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। तो दीज कॉस्ट आर इग्नोर्ड वाइल इवैल्यूएटिंग, जब हम लोग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज करते हैं, जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं डीसी वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज करेंगे तो ये इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। एलोकेटेड ओवरहेड्स, वही हमारे पास बड़ी सी जगह है उसका किराया, या मैनेजर है, उस मैनेजर को टेक एन एग्जांपल, अभी मैनेजर को मैं क्या कह रहा हूं, मैनेजर को मैं तनख्वाह दे रहा हूं 11 लाख रुपए, वो अभी 10 प्रोडक्ट्स को देख रहा है और वो कहता है मैं सभी को इक्वल टाइम देता हूं, तो इस केस में 1.1 लाख रुपीस हम लोग उसकी एलोकेट कर देते हैं या पोर्शन कर देते हैं उसकी तनख्वाह जो है हर एक प्रोडक्ट में। अब हम सोच रहे हैं एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो क्या हम इसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे? नहीं, 11 लाख ही रहेगी। अब बस वो अपना टाइम 10 प्रोडक्ट की जगह 11 प्रोडक्ट्स में देगा, तो उस केस में 1 लाख रुपए पर एनम इसकी जो कॉस्ट है, दिस इज एलोकेटेड या अपोर्शन टू ईच प्रोडक्ट। नाउ अगर आप इस प्रोजेक्ट को हाँ करते हो तो क्या ये 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा होगा? नहीं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को ना कर देते हो कि नया 11वां प्रोडक्ट बनाऊं, नहीं बनाता, तो क्या ये 1 लाख रुपए की इसकी मैनेजर की तनख्वाह बच जाएगी? नहीं। तो वंस अगेन, ना ये एक्स्ट्रा खर्च होगा, ना ये बचेगी, तो ये इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। तो एलोकेटेड ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ऑन सम रैशनल बेसिस, चाहे मशीन आज बेसिस पे हो, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बेसिस पे हो, या एज ए केस में भी वॉट एवर आपके टाइम डिवोटेड के बेसिस पे हो, तो ये जो है ये एलोकेटेड कॉस्ट जो है ये ऑलरेडी इनकर हो रहे हैं, दिस शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द कैश फ्लोज, ठीक है जी। इफ हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं हमारी इंक्रीज होंगे, अब लेट्स से हम मैनेजर को 11 लाख की जगह 11 लाख 25,000 देंगे, तो ये 25,000 रेलिवेंट है मेरे लिए। इफ यू पे 11,000 मोर ऑल्सो, मैं कहता हूं भाई अभी 11 लाख की जगह हम 11,11,000 देंगे इसको, ठीक है, और 11 प्रोडक्ट्स में अब अपोर्शन होगा 1.01 एलोकेट हो गया हर एक में, तो ये 1.01 रिलेवेंट है। हाँ, ये 11,000 जो एडिशनल इंक्रीमेंटल है वो इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स, ये हमारे कैश आउटफ्लोज में आएंगे, दिस इज रेलिवेंट, नॉट the allocated या committed past की fixed cost। अब बढ़ते हैं committed खर्चे। Next, working capital। हर बड़े project में हम लोगों को working capital की जरूरत पड़ सकती है। अब business कर रहे हैं आप, business investment कर रहे हैं, उसमें working capital must है, बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो therefore, while evaluating the project, initial working capital requirement should be treated as cash outflows। भाई जो भी आप networking capital initial में डाल रहे हो, वो पूरा का पूरा जो है outflows में लेके जाओगे cash outflows निकालते समय। And end of the project में, hello, जब project खत्म हो जाएगा, तो आप release मानोगे, पूरा का पूरा cash inflows में लेके चलोगे। यार शुरुआत में डाल रहा हूँ, end में निकाल रहा हूँ। Question में अगर silent हो,
कुछ ना बोले तो भैया जितना वर्किंग कैपिटल डाला पूरा निकालो। ये देखना नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी। इसमें जो है रिलीज के टाइम पे अगर वो बोलेगा रिड्यूस हो गया है बढ़िया है, नहीं बताएगा तो हम लोग जो है इसको मान के चलेंगे जितना डाला है वर्किंग कैपिटल उतना पूरा निकालेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान ऐसा हो सकता है, ग्रोथ बिजनेस है, अगर ये नया प्रोजेक्ट जो है ग्रोथ बिजनेस का एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लगाएंगे तो वो कैश आउटलोज में जाएगा। इन सच केसेस एडिशनल कैश आउटलोज जो है उसको कैश आउटलोज में लेंगे और फिर जब एंड में जब वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी जो है कैश इनफ्लोज में ले लेंगे। इस तरीके से अगर कहीं वर्किंग कैपिटल एडिशनल होता है, एडिशनल की जगह अगर रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल हो तो हम उसको कैश इनफ्लोज की तरह लेंगे कि भाई मैं अब ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने वाला हूँ, इससे रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक है जी। मैं मॉडर्नाइज करने वाला हूँ, भाई पुराने वाले में ऑटोमेशन नहीं था, इसमें ऑटोमेशन है, पुराने वाले में जो है हमारा खर्चा इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है वर्किंग कैपिटल की, तो रिलीज होता है तो उसको हम लोग लेके चलेंगे इनफ्लोज में डाल देंगे। इस केस में भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता वर्किंग कैपिटल की रिलीज होगी या नहीं, 100% मान के चलना फुल अमाउंट विल बी रियलाइज इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बहुत जरूरी है। हाउएवर एडजस्टमेंट जो है अगर आपको वो इंक्रीज डिक्रीज का कुछ बोलता है वर्किंग कैपिटल के लिए कि भाई इतना बढ़ रहा है इतना घट रहा है तो वो विल टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। जैसे इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को कुछ बताएगा विल टेक दैट इनटू कंसीडरेशन, साइलेंट होगा नहीं बता रहा कोई बात नहीं, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, जितना पैसा डाला उतना पैसा निकाल लेंगे। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसा भी हो सकता है आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट के दौरान लगानी पड़े तो वो कैश आउटलोज की तरह ले जाना, उसकी भी अगर एंड में कोई टर्मिनल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बचेगी तो वो ले लेना उसको। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन। अभी हम लोग प्रोजेक्ट एनपीवी की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के जितने भी कैश आउटलोज हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज में ले लेंगे, प्रोजेक्ट के जितने भी कैश इनफ्लोज हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में लेंगे। तो कैश आउटलोज में आपके जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, चाहे आपके वो कैपिटल आउटलोज थे, वर्किंग नेटवर्किंग कैपिटल आउटलोज थे, वो ले लो, और कैश इनफ्लोज में जो भी आपके आ रहे हैं कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स और फिर एंड में टर्मिनल वैल्यू, चाहे वर्किंग कैपिटल का चाहे फिक्स्ड एसेट्स की रिकवरी का, तो ये लेके आपने क्या करना है, अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है मोर देन इक्वल टू जीरो है तो आप एक्सेप्ट द प्रपोजल करोगे। वैसे जनरल रूल क्या है, हायर द एनपीवी द बेटर इट इज, जितना ज्यादा एनपीवी उतना अच्छा है, बट स्पेसिफिक रूल क्या है, अगर एनपीवी जीरो है मींस मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है, एनपीवी जीरो मींस आई एम गेटिंग माय डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी पॉजिटिव मींस आई एम गेटिंग मोर देन माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ, तो अल्टीमेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म, तो अकॉर्डिंगली दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। जितना मैक्सिमाइज करोगे उतना, अगर प्रोजेक्ट एनपीवी की बोलता हूँ, प्रोजेक्ट एनपीवी बढ़ रहा है पॉजिटिव है, जितना ज्यादा उतने से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, और यही हमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। पुराने जमाने में फर्म कहते थे, आज की डेट में कंपनी कहते हैं, डजंट मैटर, पुरानी थ्योरीज बहुत सारी बनी हुई है पुराने जमाने से, तो वो फर्म यूज करते थे। However, अगर मोर देन वन प्रपोजल हो, इंडिपेंडेंट में सारे प्रपोजल, कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पे ऐसा तो है नहीं कि तुमने एक एक्सेप्ट किया बाकी को नहीं कर सकते या बाकी को भी करना ही पड़ेगा, यू कैन एक्सेप्ट एनी और मेनी, जिन जिन का पॉजिटिव या जीरो है एनपीवी, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल जिनका मोर देन और इक्वल टू जीरो है एनपीवी, उन सबको हाँ कर दो, उन सबको चूज कर लो, सारे के सारे प्रपोजल जो है चूज कर लो। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में आपने क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल में एक चुनना है जिसका हाईएस्ट एनपीवी है, ऑब्वियसली वो मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा तो हम लोग तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, सीधी सीधी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स में अलग अलग इवैल्यूएट करने का कोई सेंस नहीं है, कंबाइन करो कैश आउटफ्लोस, कंबाइन करो कैश इनफ्लोस, एक एनपीवी निकालो, कंबाइंड एनपीवी निकालो। एंड अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स की बात करते हैं, अगर सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स का जो कंबाइंड एनपीवी है वो मोर देन और इक्वल टू जीरो है, तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स आपने चुन लेने हैं, दैट इज द एंड ऑफ इट। और अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एनपीवी वैसे दो तरीके का होता है, एक हमारा प्रोजेक्ट एनपीवी होता है, एक इक्विटी एनपीवी होता है। अभी हम लोग इनिशियल में प्रोजेक्ट एनपीवी ही डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एनपीवी में हम लोग प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म कैश आउटलोज लेंगे, दैट इज उसे हम लोग चाहे जहां से मर्जी आ रहा हो सोर्स ऑफ फाइनेंस, चाहे हमारा डेट से आ रहा हो, इक्विटी से आ रहा हो, ये सारी चीजें, ये ऑल दीज थिंग्स हैव बीन टॉट इन इंटरमीडिएट, ये सारी की सारी चीजें, मैं इसीलिए थोड़ा सा क्विक ग्लांस दे रहा हूं, ये सारा का सारा इंटरमीडिएट की पॉकेट बुक का फंडामेंटल है, ये इवन आपके फाइनल में मेंशन भी नहीं है, बट इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जब बड़े क्वेश्चन अगर कोई आ जाए तो। आपको रिप्लेसमेंट प्रपोजल रखा हुआ है, रिपेयर वर्सेस रिप्लेस प्रपोजल रखा हुआ है, अज्यूमिंग कि आपको सब कुछ आता है, बेसिक सब कुछ आपको आते हैं, तो गाइज सिंपल सी बात है, आई एम डीलिंग विद दीज, बट यस मैं बहुत बहुत स्लो नहीं कर सकता और बहुत फास्ट भी नहीं चलूंगा, आई एम गोइंग कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके चलूं। क्वेश्चंस करते समय वी विल ऑब्वियसली विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है, बहुत मजा आने वाला है,
लेकिन ये बेस है, इसके बिना ये चीज आगे नहीं समझ में आएगी। अगर हमने सीधा क्वेश्चंस करने शुरू कर दिया और किसी का बेस नहीं है, दे विल फाइंड प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आई एम डिस्कसिंग दीज फंडामेंटल्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म कैश आउट लो, चाहे वो जहां से मर्जी हो, डेट से, इक्विटी से हो, यहां क्या है, चाहे डेट से है, इक्विटी से, कहीं से भी हो, यहां पर सिर्फ इक्विटी की जेब से कैश आउट लोज हो तो वो इक्विटी एनपीवी में आता है। यहां पर जो ऑपरेटिंग सीएफटी प्लस टर्मिनल वैल्यू आएगा, ये हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जनरली प्रोजेक्ट एनपीवी निकालते हैं, अभी हम शुरू में सिर्फ प्रोजेक्ट एनपीवी की बात करेंगे, आगे चल के इक्विटी एनपीवी से कंपेयर करके दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या, सीएफटी ऑफ इक्विटी प्लस टर्मिनल वैल्यू फॉर इक्विटी, उसको हम लोग कहते हैं एफसीएफई, फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी। ये फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी निकालेंगे। एफसीएफई कैसे निकालते हैं बाद में देखेंगे, जब इसका क्वेश्चन कर रहे होंगे उस टाइम पे मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, तब हम एफसीएफई निकालेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। या डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, यहां हमारा डिस्काउंट रेट केओ होता है प्रोजेक्ट एनपीवी के लिए, यहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज बीइंग अज्यूम कि आपको आता होगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो आई विल हेल्प यू, बट मैं पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर इस चीज में नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। हाँ, आने से पहले जब वो क्वेश्चंस में आएगा, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन वगैरह में आएगा और आगे भी किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो मैं उसको वहां पर मैं जरूर रिकैप करा दूंगा कि ओके गाइस ये वाली चीज होती है, बट आई विल नॉट बी टीचिंग यू द एंटायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर, ठीक है। तो के ही यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिस्काउंट रेट है। यहां प्रोजेक्ट एनपीवी में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चाहे फाइनेंस, चाहे आपके डेट से हो, इक्विटी से हो, आपने कोई भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेनी है, आपने कोई भी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेना, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड कुछ नहीं माइनस करना, देश शुड बी एक्सक्लूडेड वो नहीं माइनस करना, आपने कोई भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं माइनस करनी। लेकिन यहां पर इक्विटी के लिए एनपीवी निकालते समय आपको इक्विटी का छोड़ के बाकी सबकी पेमेंट कर दो, मींस इंटरेस्ट है अगर आपका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट उसको पे ऑफ करो, प्रेफरेंस डिविडेंड उसको पे ऑफ करो, फिर आपका एफसीएफई निकलेगा। जब हम लोग इक्विटी एनपीवी वर्सेस प्रोजेक्ट एनपीवी का क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे मैं ये वापस रिवाइज करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम इनिशियल क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट एनपीवी पे फोकस्ड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट एनपीवी मोर देन इक्वल टू जीरो है तो आपने एक्सेप्ट कर लेना प्रपोजल, और अगर आपका इक्विटी एनपीवी यहां पर मोर देन इक्वल टू जीरो है तो आपने एक्सेप्ट कर लेना प्रपोजल। तो गाइज लेट्स फर्स्ट डील विद अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन। आप लोग पढ़ रहे हैं आपका पहला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सीवरेज लाइन सर्विसेज। तो ये लोग क्लीन करते हैं सीवरेज लाइंस, ओके, ऊ एट होम्स, तो सीवरेज होम्स की क्लीन करते हैं, somebody has to do the job। तो देर इज अ प्रपोजल की कंपनी जो है सोच रही है मैकेनाइज सीवरेज क्लीनिंग सिस्टम खरीद ले जो कि 20 लाख रुपए का आ रहा है, ओके दैट्स गुड, क्योंकि भाई ह्यूमन अगर सीवरेज को करते हैं तो वो बीमार हो सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो प्रेजेंट सिस्टम जो है कंपनी का वो मैनुअल लेबर यूज करता है फॉर द जॉब, अब बीमार भी होंगे उनके फिर इंश्योरेंस और उनका कुछ गड़बड़ कुछ होती है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पर क्या है, यू आर प्रोवाइडेड, और यहां कॉस्ट सेविंग भी होगी, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए जरा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई प्रपोज मैकेनाइज्ड सिस्टम, जो प्रपोज सिस्टम है उसमें ये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे मशीन में, 10 साल की इसकी लाइफ होगी मशीन की, डेप्रिसिएशन एसएलएम पे होगा, 10% पर एनम इनका हर साल का डेप्रिसिएशन होगा। कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मैकेनाइज्ड सिस्टम 5 लाख रुपए पर एनम है, जैसे आप बोलो 5 लाख रुपए का इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑल राइट, और बताएं। कहता है प्रेजेंट सिस्टम जो है मैनुअल सिस्टम है, ओके, प्रेजेंटली इनके मैनुअल लेबर 200 बंदे काम कर रहे हैं, हर एक बंदे को मैनुअल लेबर को 10,000 रुपए पर पर्सन दिया जाता है। इसका मतलब अभी इनकी कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, अभी इनकी कॉस्ट खर्च हो रही है 20 लाख रुपीज पर एनम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर ये मैकेनाइजेशन करते हैं, अगर ये मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो इनका क्या होगा, ये कॉस्ट बच जाएगी, दिस विल बी सेविंग्स। इस सेविंग्स के अगेंस्ट लेकिन अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये 5 लाख रुपए जो नहीं खर्चा होता था ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये इसके कुछ भी इस मशीन का रिपेयर्स, रेंट, रेंट तो नहीं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाटएवर, 5 लाख रुपीस पर एनम, ये जो है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, ये आपको माइनस करनी पड़ेगी 5 लाख रुपए। ये आप माइनस करोगे तो इस प्रोजेक्ट का ये सीएफबीटी आ जाएगा, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, इसकी वजह से 15 लाख रुपए की इनकी नेट सेविंग्स होगी। इस 15 लाख रुपए में से आप लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 20 लाख रुपए पे 10%, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन इस 2 लाख रुपए, ये डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का कट्टा मारने के बाद
जो बचेगा ये हमारा एनुअल पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा जो कि है 13 लाख। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख पे आपने जो है टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये टैक्स जो है वो है 30% विच इज 3,90,000। तो ये आप चाहो तो पीएटी निकाल के एड डेप्रिशन कर दो या सीएबीटी को 1 कह दो, टैक्स लाइबिलिटी को 2 कह दो, सीएफएटी को कह दो 1-2। दैट इज टू से 15 लाख माइनस 3,90,000 इज 11,10,000। तो 11,10,000 जो आया इसको अब आपने क्या कर देना है, इसको आपने पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर जो है आपका, ठीक है जी। जो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर है कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने बोल रखी है कि भाई मेरी 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है जी, 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और उसने नीचे पीवी फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इन सबको आप सम अप कर लोगे, इन सबको सम अप करके जो भी आपका आएगा उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, 0.909 + 0.826 + वैसे हम लोग कैलकुलेटर पे 1/1.1== करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी सवाल में दिया होता ना तो हम वही ले लेते हैं, +0.683 + 0.654 + 0.513 + 0.467 + 0.424 + 0.386 = 6.144। तो दिस इंटू 6.144 करेंगे इंटू 11,10,000, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस मच अमाउंट। और इसके अगेंस्ट में हमारा जो है 20 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा था, 68,19,840 में से आपका 20 लाख रुपए का जो कैपिटल आउटलोज है वो माइनस कर दोगे तो आपका एनपीवी आ जाएगा जो कि है 48,19,840। अब आपको वो बोल रहा है, एडवाइस कर रहे हो परचेज करने को, आप कहोगे यस खरीदो, इंतजार क्यों कर रहे हो, तो मशीन शुड बी परचेस्ड। आइए इसी चीज को लिख के करते हैं, जिन्हें समझ में आ गया बल्ले है, जिन्हें नहीं आया आज थल्ले, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन इस बार लिखवाते हुए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं पहले एक बार यहां समझाते हुए सॉल्व करूंगा, दूसरी बार फिर लिखवाते हुए सॉल्व करूंगा, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो है इसी तरीके से करते रहेंगे। आइए लिख के करें ये सवाल। ओके गाइज, सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, आपने बनाना है स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ परचेजिंग द मशीन। सुंदर सी सिंपल सी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं इस फॉर्मेट में, ये रहा एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये 1 to 10 years। सबसे पहले क्या करना है आपने, एनुअल कॉस्ट ऑफ मैनुअल ऑपरेशंस ₹10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200%। ये देखो ये इनकी कॉस्ट खर्च हो रही थी पास्ट में 20 लाख रुपए, अब इस कॉस्ट को ये बचाने की सोच रहे हैं, इसके लिए इनको एनुअली एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मैकेनाइज्ड सिस्टम करना पड़ेगा। सो गाइस 5 लाख रुपीज ये खर्च करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा एनुअल सीएफबीटी। एनुअल आप एग्जाम में कैश फ्लोज बिफोर टैक्स को सीएफबीटी यूज कर सकते हो, एवरीबडी इन फाइनेंस अंडरस्टैंड सीएफबीटी मींस कैश फ्लोज बिफोर टैक्स ओनली, तो दिस इज एनुअल सीएफबीटी। इसमें से फिर आप लेस कर दोगे एनुअल डेप्रिसिएशन जो कि उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख का 10%।
20 lakh into 10% is equal to 2 lakh. ये माइनस करोगे और ये माइनस करके जो आपका आएगा इसे आप कहोगे एनुअल पीबीटी, एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 13 लाख रुपीस। अब आप चाहो तो इसमें से टैक्स माइनस करके पीएटी निकाल लो, फिर उसमें डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, या तो वो प्रेजेंटेशन कर लो या फिर आप ये प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि भाई इसके नीचे दो लाइंस खींची, एनुअल टैक्स लायबिलिटी निकाली 30%, जो कि हमारा था 3 लाख, नहीं कितना था, हाँ 3,90,000, 30% हो गया ना 13 लाख का, ये हो गया। फिर सीएफबीटी कैश फ्लोज बिफोर टैक्स को आप 1 कह दो, टैक्स लायबिलिटी को 2 कह दो और एनुअल सीएफबीटी निकाल दो, एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स इज 1 माइनस 2 विच कम्स टू 11,10,000, 15 लाख माइनस 3,90,000, 11,10,000 एनुअल सीएफबीटी आया। इसकी हेल्प से अब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू एनुअल सीएफबीटी जो है हमारा मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंगली ये आप देखेंगे कि आपका कितना था, दिस इज 11,10,000 आया हुआ है इनटू पीवीएफ हम लोगों ने निकाला हुआ था 6.144 और ये 6,819,840 आ गया। तो 6.144 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ रहा है समथिंग लाइक 6,819,840, एक बार फिर से चेक कर लूं, 6,819,840। बस अब इसमें से आप लेस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज, जो कि आपका लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज जो कि है कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि है 20 लाख, ये माइनस करेंगे तो आपका एनपीवी आ जाएगा 48,19,840 एंड दैट इज पॉजिटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने लास्ट में अपनी एडवाइस दे देनी है, एडवाइस द कंपनी शुड परचेज द मशीन। ऑटोमेट करवा लो भाई, मैनुअल ऑपरेशंस छोड़ो भाई, फाइनेंशियली बेनिफिट होने वाला है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ बहुत तगड़े तरीके से होने वाली है। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइज, लेट्स डील विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो और उनमें सिनर्जीज हो, इफ यू हैव मोर देन वन प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन और उनमें सिनर्जीज हो, तो उनको कैसे करेंगे? हम चूज करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट जिसका कि हमारा हाईएस्ट ओवरऑल एनपीवी होगा। जिस भी प्रोजेक्ट का हाईएस्ट ओवरऑल एनपीवी होगा उसको हम लोगों ने चुन लेना है। आइए इसी चीज को देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस, अब तक पढ़ लेना चाहिए था। लेट अस डिस्कस। क्या कह रहा है? अ कंपनी इज इवैल्यूएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। कंपनी जो है 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस को इवैल्यूएट कर रही है, बताओ भाई। कहता है 1, 2 and 3, बहुत अच्छी बात है। इफ ओनली द प्रोजेक्ट अंडर क्वेश्चन इज अंडरटेकन द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यूज एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट को मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी कह सकता हूं। ये मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, इसे पीवीसीआई कह सकता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हमारा एनपीवी आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू 290 माइनस 2 लाख इज 90,000 रुपीज, 185,000 माइनस 115 इज 70,000 रुपीज, 4 लाख माइनस 270 इज 1,30,000 रुपीज। ये मेरा एनपीवी रिस्पेक्टिवली आ गया है हर एक का। अब वो कह रहा है अगर 1 एंड 2 इकट्ठा लेंगे, ओके 1 एंड 2 ये दोनों इकट्ठे ले लिए,
तो कहते हैं नो इकोनॉमीज होंगी, कोई फायदा नहीं है, नो इकोनॉमीज. इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द प्रेजेंट वैल्यूज विल बी सिंपली द सम ऑफ द पार्ट्स. ओके, वन एंड टू में क्या होने वाला है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी होने वाली हैं वो कितनी होने वाली हैं, आप देखो दिस प्लस दिस होने वाली है 3,15,000. चलो जैसे आप बोलो, तो 3,15,000 हो जाएगी. और हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी दिस प्लस दिस हो जाएगा, दैट इज टू से दिस प्लस दिस इज 4,75,000. चलो इसका मतलब क्या हो गया, एनपीवीबी सिंपल इन दोनों का सम 90+70 कर दो या दिस माइनस दिस कर दो, 1,60,000. ओके, उसने आपसे पूछा है विच प्रोजेक्ट या विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन. देखो भाई एक तो लेना नहीं है, वन एंड टू में ही इनसे अकेले से तो फायदा ही आ रहा है. अभी देखते हैं वन एंड थ्री में क्या होगा. वन एंड थ्री में कहता है इकोनॉमीज आर पॉसिबल. गाइस मैं ये समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा अभी बाद में, तो मेरे साथ लिखना नहीं है अभी. इकोनॉमीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन मशीन जो है अक्वायर कर सकते हैं बोथ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वन एंड थ्री की कंबाइंड 4,40,000 हो जाएगी. वैसे वन एंड थ्री अगर देखें ना तो 470 पड़ता हमें, हम अगर 2,00,000+270 करते तो 470 होती, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भाई 4,40,000 होगा. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 30,000 की इकोनॉमीज होंगी. इसका मतलब 4,40,000 का हमारा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज होगा. चलो और बताओ, कहता है 4,40,000 होगा. नेक्स्ट इफ प्रोजेक्ट टू एंड थ्री, अच्छा ये तो बाद में करते, पहले वन एंड थ्री का एनपीवी निकालने के लिए पीवीसीआई तो सम करो. 290+4,00,000 = 6,00,000 रुपीज, 90,000 रुपीज, 690. तो 690 में से 440 माइनस करोगे 2,50,000 आ गया, पिछले वाले से तो बेटर ये है. चलो और देखते हैं और क्या कह रहा है. इफ टू एंड थ्री आर अंडरटेकन, चलो भाई टू एंड थ्री लेते हैं, तो उस केस में क्या है, हमारी इकोनॉमी इज नोटेड मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग में होंगी बट नॉट इन्वेस्टमेंट. मार्केटिंग इकट्ठे कर देंगे टू एंड थ्री में, और प्रोडक्शन में भी जो है हमें बेनिफिट हो जाएगा. ठीक है कि भाई इकट्ठे कंबाइंड मार्केटिंग हो जाएगी, इकट्ठे जो है कंबाइंड प्रोडक्शन हो जाएगी, विल बी प्रोड्यूसिंग नॉट इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट इकट्ठे नहीं होगी. मतलब जैसे यहां 440 थी ना, यहां नहीं है. यहां एक्सपेक्टेड हमारे को कह रहा है फ्यूचर कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू एंड थ्री का 620 होगा, मतलब ये 6,20,000 होगा. इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो है टू एंड थ्री वैसे कितना होता, 185 और ये 585,000 होता, लेकिन 585,000 प्लस 35,000 इकोनॉमीज है. ये हमें इकोनॉमीज हो रही है, दिस इज इकोनॉमीज, दिस इज इकोनॉमीज. बढ़िया यार. अच्छा तो ये 620 की हमें जो है पीवीसीआई आएगा, और कंबाइन करो इनके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज अगर आप सम करते हो, तो इन दिस केस व्हाट आर दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज, दिस प्लस दिस इज 385,000 तो 385,000 620 में से माइनस कर दोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2,35,000. यार ये तो पिछले वाले से कम है, ये तो अच्छा नहीं है उतना, वन एंड थ्री इससे ज्यादा अच्छा है. खैर अभी लास्ट कहते हैं ऑल द प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, कहता है भाई सारे के सारे इकट्ठे ले लो ना, क्या अलग 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 कर रहे हो, लेट्स टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर साइमल्टेनियसली. तो इकोनॉमी इज नोटेड विल स्टिल होल्ड, इसका मतलब क्या है, वन टू एंड थ्री में क्या होगा, इसकी अकेले की पीवीसीआई कितनी है, 2,00,000. ओके इन सब का सम लिख देता हूं ना एक साथ ही, इन सब का सम कितना है, 475,000. ठीक है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है 585,000, हाँ ये इन्वेस्टमेंट ही तो थी. अच्छा इसमें से माइनस कर देते हैं 30,000 का इन्वेस्टमेंट्स में हमें बेनिफिट था, इधर इन तीनों को सम कर देते हैं 690 790 790 प्लस 85,000, 790,000 प्लस 85,000 इज इक्वल टू 875,000. चलो 875,000 प्लस 35,000, तो कह रहे हैं इकोनॉमी इज नोटेड विल स्टिल होल्ड, पर कहता है 1,25,000 एक्सटेंशन ऑफ प्लांट विल बी नेसेसरी एज स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द थ्री प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए 1,25,000 की और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. ओके तो हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना आ जाएगा, 9,10,000. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज कितना हो जाएगा जरा देखते हैं, 585 minus 585,000 ओए 585,000 minus 30,000 plus 125,000,
तो ये हमारा आ रहा है 680,000। तो भाई 680 माइनस कर दो 910 में से, तो दिस इज कमिंग टू 230,000। तो यार सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला 250 वाला, इसको चुन लो, मींस 1 एंड 3 को चुनो। तो आपने यही बोलना है भैया, 1 एंड 3 चुनो, 250 एनपीवी है। जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले, मैं रिपीट करूंगा इस बार लिखवाते हुए। आइए लिख के करेंगे ये सवाल। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल प्रोजेक्ट मिक्स। स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल प्रोजेक्ट मिक्स, देखते हैं जरा। डिटर्मिनेशन ऑफ लिख देते हैं यार, ये फिर से करूंगा ये वाली चीज। ओके गाइस, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल प्रोजेक्ट मिक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चार कॉलम्स बनाने हैं। पहला बनाना है प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स का, दूसरा बनाना है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का, तीसरा बनाना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस का, और चौथा बनाना है एनपीवी का। चलिए Here we go. Let's see. Let's do the mathematics. So, first of all, my dear friends, what we are going to do is we are going to take project या projects. इसमें सबसे पहले आएगा investment required. जिसे कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज भी कह सकते हो रुपीस में। दूसरा आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस, शॉर्ट में हम इसे पीवीसीआई कह देते हैं इन रुपीस। लास्ट में कह देते हैं एनपीवी इन रुपीस। टेक एन एग्जांपल, इसे कह देता हूं ए, इसे कह देता हूं बी, इसे कह देता हूं बी माइनस ए। आइए सबसे पहले ओनली प्रोजेक्ट वन लेते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है 2,00,000 रुपीज की, 2,90,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है और 90,000 का इसका अकेले का एनपीवी हो गया। अब अगर अकेला टू लेते हैं तो 1,15,000 की इसकी इन्वेस्टमेंट है, 1,85,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, 185 माइनस 115 इज 70,000 इसका एनपीवी है। तीसरा नंबर इसी तरीके से, तीसरा प्रोजेक्ट लेते हैं तो 2,70,000 है, 4,00,000 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, 1,30,000 का इसका एनपीवी हो गया है। चौथा प्रोजेक्ट करते हैं, चौथा तो है ही नहीं, तो उसने नीचे क्या बोला हुआ यार, अगर 1 और 2 इकट्ठे लेते हैं, 1 और 2, तो कहता है भैया इन्वेस्टमेंट विल बी सम ऑफ पार्ट्स, कहने का मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2,00,000 रुपीज पहले वाले के लिए प्लस दूसरे की 1,15,000, और इधर प्रेजेंट वैल्यूज भी सम ऑफ पार्ट्स होगा 2,90,000 प्लस 1,85,000। सिंपल, सो व्हाट्स इट गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 3,15,000 का तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज होगा और 4,75,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज होगा। एनपीवी जो है वो आ जाएगा हमारा 1,60,000। नेक्स्ट, फिर 1 और 2 के बाद 1 और 3 की बात करते हैं। 1 और 3 विल बी 2,00,000 प्लस 2,70,000। लेकिन हेलो, उसने कहा नाना इकोनॉमीज होंगी, इकोनॉमीज कितनी इकोनॉमीज होंगी, उसने कहा 440,000 की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो 30,000 हमारी इकोनॉमीज हैं स्टार बना के। भैया उसने कहा है दोनों की मिला के इन्वेस्टमेंट जो है 4,40,000 होगी, 470 नहीं होगी,
ये आप स्टार बना के बोलोगे भाई ये इकोनॉमीज हैं, इकट्ठे एक ही बड़ी मशीन ले लेंगे हम, वन के लिए अलग मशीन, थ्री के लिए अलग मशीन, नहीं इकट्ठी वन एंड थ्री की एक मल्टीपर्पज मशीन ले लेंगे। अच्छा फिर इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट जो पीवीसीआई आएगा वो तो सम ऑफ द पार्ट्स 2,90,000 प्लस 4,00,000, दैट इज टू से 6,90,000 हो जाएगा। 690 माइनस 440 विल बी इक्वल टू 2,50,000। नेक्स्ट, वन एंड थ्री के बाद फिर बारी आती है टू एंड थ्री की। टू एंड थ्री में कितना है भाई, ये इसका 1,15,000 ही है इन्वेस्टमेंट, इसका 270 है इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज उसने कहा 620 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज तो आपका 3,85,000 होगा, वो तो कोई इशू नहीं है, बट यहां पर जो आपका कैश इनफ्लोज है वो 6,20,000 आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसका मतलब अकेला इसका 185 था, वन का टू का सॉरी, और थ्री का अकेला 4,00,000 था, कंबाइन होके गाइस प्लस 35,000 और हो गया। दिस इज व्हाट अगेन इकोनॉमीज हैं। फिर 620 माइनस 385,000 करते हो तो ये आपका आ जाता है 2,35,000। यार ये तो पिछले वाले से कम है, ये तो उतना अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेट्स सी अगर तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स एक साथ लेते हैं तो क्या होता है। अगर तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स एक साथ लेते हैं तो उसने कहा था इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड, तो वन टू एंड थ्री में देखो 2,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लस 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट प्लस 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, माइनस 30,000 जो आपने इकोनॉमीज नोटेड की थी। लेकिन उसने कहा है एक्सटेंशन ऑफ प्लांट भी करना पड़ेगा, उसके लिए में इन्हें और पैसे लगाने पड़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्लांट, कितना 1,25,000 रुपए और करना पड़ेगा। इसके ऊपर दो स्टार बनाता हूं और ये दो स्टार बोल देता हूं कि भाई ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट है। बढ़िया है। अच्छा और इसका 2,90,000 प्लस 1,85,000 प्लस 4,00,000, साथ में इकोनॉमीज अभी अभी ऊपर नोटेड देखो 35,000 है ही है प्लस 35,000 जो इकोनॉमीज नोटेड है वो स्टिल होल्ड कर रही हैं। तो अब देखते हैं जरा इस हिसाब से हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 385 माइनस 30 इज 555 है ना, और 555,000 प्लस दिस इज 6,80,000। अच्छा ये कितना है 9,10,000। एक बार फिर देख लेते हैं, ये 620 है सब मिला के इन तीनों को और ये ऊपर 9,290 और 9,10 हो गया, तो ये 2,30,000 है भाई। इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा ये वाला है 2,50,000 ऊपर वाला दिस, तो इसको आपने चुन लेना है वन एंड थ्री, तो आपने इसी को एडवाइस दे देनी है भैया इसको चुन लो, दैट्स इट। आओ लिख लें इसी चीज को एडवाइस, चूज प्रोजेक्ट्स वन एंड थ्री, वो हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है या मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी कर रहा है, दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आप लोग हेडिंग डाल दो इवैल्यूएशन, ये आपके कोर्स में सीए फाइनल में रखा गया है, स्पेशली इसका राइट वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट भी पता होना चाहिए, कोई भी कुछ भी आ सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आज बेसिक्स हैं, बट बेसिक्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस जो कि आपके
सीए फाइनल लेवल के हैं, तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर ओनली कैश आउटफ्लोज आर नोन. इवैल्यूएशन करनी है आपने प्रोजेक्ट्स की जहां सिर्फ कैश आउटफ्लोज दिए हुए हैं. देखो दोस्तों, यहां हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, मतलब दो तरह के डिसीजंस हमारे हो सकते हैं. सिर्फ कैश आउटफ्लो दिए हुए, सिर्फ खर्चे दिए हुए, कमाई कुछ नहीं दी. हमें पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना है, हमें विंडमिल लगाना है, हमें सिर्फ सिर्फ खर्चे दिए हुए, कोई कमाई नहीं दी हुई, कोई बेनिफिट, कोई कॉस्ट सेविंग कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ खर्चे दिए हुए. मुझे कार खरीदनी है यार, कौन सी खरीदूं, अलग अलग मॉडल्स है, कोई कॉस्ट सेविंग वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ भैया. वो कहता है एक तो है इक्वलाइज प्रपोजल्स, विंडमिल में स्टिल कॉस्ट सेविंग हो सकती है, बट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में कुछ कोई बेनिफिट नहीं होता. कार खरीदनी है भाई, बिजनेस के लिए चलानी है बस, जिसके खर्चे कम है. तो इक्वलाइज प्रपोजल्स को हम लोग अलग तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, अनइक्वलाइज प्रपोजल्स को हम लोग अलग तरीके से इवैल्यूएट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इक्वलाइज प्रपोजल्स की. गाइज, इक्वलाइज प्रपोजल्स को हम लोग दो तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं. एक तरीका क्या है, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ऑल प्रपोजल्स. सारे प्रपोजल्स के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाल लो. एक तरीका तो यह है. दूसरा तरीका यह है, डू इंक्रीमेंटल एनालिसिस. इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल एनालिसिस, इंक्रीमेंटल ओब्लिक डिफरेंशियल एनालिसिस एंड कंप्यूट इंक्रीमेंटल एनपीवी. ये कैसे करते हैं वो मैं अभी करा रहा हूं विद एन एग्जाम्पल. और यहां क्या करना है, यहां चूज करना है. अगर आपने सिर्फ पीवीसीओ निकालो तो चूज द प्रपोजल हैविंग लोएस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस. और यहां मेक योर चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव एनपीवी. अब ये कैसे वर्क करता है ये अभी हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं इवैल्यूएट. मैं इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालता भी कैसे हैं ये भी बता देता हूं. इंक्रीमेंटल एनपीवी ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं, इसके भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दूंगा. एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट जितनी भी है, और फिर उसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर ऑफ जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जितने भी नंबर ऑफ इयर्स हैं ये ले लेना है, और इसमें से माइनस कर देना है इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू इफ एनी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एनथ ईयर. ये आपका जो है पीवीसीआई आ जाएगा. दिस प्लस दिस करना है, ये सेविंग्स प्लस टर्मिनल वैल्यू. अच्छा, इसमें से फिर माइनस करना है इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस. कैसे वर्क करेगा अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करवाई दूंगा. अच्छा, दूसरा फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर अनइक्वल लाइव्स है तो अनइक्वल लाइव्स में गाइस दो तरीके के सिस्टम आए. सबसे पहला जो सिस्टम आया था वो आया था रिप्लेसमेंट चेन मेथड, फिर उसका क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उसके बाद जो है इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस सिस्टम आया. तो दोनों मैं बता दूंगा एक एग्जाम्पल में, बट
एग्जाम पर्पसेस के लिए आप लोग के जो सिलेबस में जो दिया हुआ जिसके हिसाब से क्वेश्चंस किए जाते हैं और जिस हिसाब से प्रैक्टिकली भी होता है इज हमारा इक्विवेलेंट एनुअल प्रिंसिपल ऑफ कैश आउटफ्लोज मेथड से। तो लेट मी टेल यू ये अनइक्वलाइज में क्या करेंगे गाइज। अनइक्वलाइज में आप इस तरीके से इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। दो तरीके हैं इसके। पहला मेथड है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। दूसरा है इक्विवेलेंट एनुअल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज मेथड। ये प्रैक्टिकली यूज होता है। सो गाइज रिप्लेसमेंट चेन मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे वर्क करता है। पहली चीज तो ये है वेरी लेंदी एंड हेंस क्रिटिसाइज्ड एंड अवॉइडेड। बट ये कैसे वर्क करता है ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाई दूंगा। इसमें क्या है, चूज करना है आपने प्रपोजल विद लोएस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। और ये बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। शॉर्ट एंड स्वीट मेथड प्रेफर्ड। डिसीजन मेकिंग सेम ही आएगी, आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा बट डिसीजन एक्सेप्ट रिजेक्ट में सेम आएगा। प्रेफर्ड टू बी यूज्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स ये कैसे लगता है, कैसे वर्क करता है, सिंपल सी बात है। ये ईए पीवीसीओ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटलोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर ऑफ के फॉर एन। एन क्या है हमारा, इयर्स ऑफ बेनिफिट। एन और इयर्स ऑफ बेनिफिट। अच्छा अब यहां आपने क्या करना है, यहां आपने कहना है भाई चूज कर लो प्रपोजल विद लोएस्ट ईएपीवीसीओ इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस, सभी केसेस को डिस्कस करते हैं और इनके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड दैट इज इक्वलाइज प्रपोजल। हमें सिर्फ आउटफ्लोस पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ खर्चे पता है, कमाई कोई नहीं है, सेविंग्स कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लोस पता है और इक्वलाइज है। तो दो तरीके हैं उन प्रपोजल्स को एनालाइज करने के। पहला प्रपोजल ऊपर कर रहा हूं इसे। पहला तरीका क्या है गाइस, इक्वलाइज प्रपोजल्स में नंबर वन आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस निकालेंगे, पी वी सी ओ निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस निकाल के जिस प्रपोजल का कम पीवीसी है वो चूज कर लेना है। और इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। हम लोग जो है इंक्रीमेंटल बेसिस पे ऐसे गेम खेल सकते हैं कि भाई हमारी कितनी सेविंग्स होगी, पीवीएफ अगर जो भी है मतलब वन अगेंस्ट द अदर, कितना इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू होगा माइनस इंक्रीमेंटल कैश आउटलोस और इंक्रीमेंटल एनपीवी के बेसिस पे हम लोग चॉइस करेंगे। लेट्स सी इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस अब तक पढ़ लिया होगा, लेट्स डिस्कस। हियर वी गो। गामा लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग एन असेंबली प्लांट। तो ये एक असेंबली प्लांट भाई असेंबल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट, ये जो है प्लांट बनाने की मतलब जो भी है इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं। इनके पास दो ऑप्शंस है, तो इनके पास टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन है। म्यूचुअल में से इन्हें एक्सक्लूसिव चुनना है, इन दोनों प्लांट ए और प्लांट बी में से कोई एक चुनना है। अब अल्टीमेटली वो कह रहा है बेस्ट प्लांट चूज करने में हेल्प करो। ओके अब प्रोजेक्टेड आउटपुट जो है 10,000 यूनिट्स पर मंथ है, मींस पर एनम 120,000 यूनिट्स हो गया।
अब चाहे प्लांट ए लगाओ चाहे प्लांट बी लगाओ, दोनों से 120,000 यूनिट्स बनेंगी, तो भाई अल्टीमेटली बेनिफिट तो सेम ही है। माल जो बिकेगा वो तो सेम का ही बिकेगा, सेल प्राइस तो सेम ही है, दोनों ने अल्टीमेटली सेम प्रोडक्ट बनाना है। पॉइंट क्या है, यहां पर इनिशियल कॉस्ट 60 लाख है प्लांट ए की और 44 लाख है प्लांट बी की, तो ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर उसका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है पर एनम, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, इसकी एक ही शिफ्ट में काम हो जाएगा, इसकी दो शिफ्ट लगेंगी, तो 15 लाख प्लस 19 लाख पर एनम मींस व्हाट, ये हो जाएगा 34 लाख रुपीस पर एनम का खर्चा। आगे बताओ, वो कहता है कैश ओवरेज पर एनम 5 लाख रुपीज है, ओके यहां 4.2 लाख रुपीज है, ओके आगे बताओ। कहता है बोथ द प्लांट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो दोनों की लाइफ इक्वल है, बोथ की लाइफ इक्वल है, आफ्टर विच देयर विल बी नो सालवेज वैल्यू, कोई सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं होगी इनकी। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% का प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर जो है 6.1446 है, टैक्सेशन को इग्नोर करके, मींस डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाता है, तो डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना। तो यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट डिजायरेबल चॉइस, तो बताओ भाई हमें डिटरमाइन करनी है डिजायरेबल चॉइस, तो सिंपल सी बात है, देखो प्लांट ए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज देखो, इसका क्या हो जाएगा 60 लाख तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्लस 35 लाख पर एनम इनटू 6.1446 जो भी आएगा अभी देख लेंगे। दूसरा नंबर ये प्लांट ए का हो गया, प्लांट बी का इसी तरीके से कैसे करोगे, 44 लाख प्लस 34 प्लस 4.2 इज 38.2 लाख इनटू 6.1446, जिसका भी कम पीवीसी होगा वो चूज कर लेंगे। आप समझो मेरी बात को, अल्टीमेटली हम लोग क्या कह रहे हैं, वंस अगेन भाई जिस भी ऑप्शन का हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस कम हो, दोनों का पीवीसी निकाल लो, जिसका लोएस्ट पीवीसी हो वो चूज कर लो। तो आपने क्या करना है, अभी वापस कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब ये देखोगे आप 35 मल्टीप्लाइड बाय 6.1446 प्लस 60 इज इक्वल टू 275.061 लाख, ओके। दूसरा नंबर देखते हैं, फिर 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.1446 प्लस 44 लाख, सो दिस इज इक्वल टू 278. बताओ भाई 72372. चलो अब इसमें से क्या कर दें, अगर मैं ये माइनस कर दूं 275.061 तो ये मेरा जो नीचे आंसर दिया हुआ है 3.66272 ये आ जाएगा। वैसे आप देखो ना, जिसका पीवीसी कम है वो चूज कर लो, एक तो ऑप्शन ये हो गया प्रेजेंटेशन का, दूसरा आप इंक्रीमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंटल एनालिसिस या डिफरेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंटल कैश आउटलोज, अब जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं भाई हमें कितना इंक्रीमेंटल कैश आउटलोज होगा, अगर हम लोगों ने ये खरीदा तो हमें प्लाट ए अगेंस्ट बी खरीदा तो मेरे को कितना इंक्रीमेंटल कैश आउटलोज होगा, यहां पर आप देख सकते हो हमें खर्चा होगा 16 लाख रुपीस का इंक्रीमेंटल कैश आउटलोज होगा, तो ये है 16 लाख, ये तो हो गया ये माइनस में। अच्छा फिर इसके बाद कोई टर्मिनल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन इनका 35 लाख रुपीज यहां खर्च होगा, यहां पर 38.2, तो आप ऐसे कह सकते हो ना इनका डिफरेंस कितना हुआ 3.2 लाख, इनका गैप कितना हुआ 3.2 लाख, तो आपको 3.2 लाख की सेविंग है, पीवीएफ जो है 6.1446 है, तो आपने कहना है 3.2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6.1446, इसमें से ये माइनस कुछ है ही नहीं टर्मिनल वैल्यू, ये प्लस कुछ है ही नहीं टर्मिनल वैल्यू, तो आपने क्या करना है, अगेन आप ऐसे कर सकते हो 3.2 इंटू 6.1446 में से माइनस कर दो 16, सो दिस इज कमिंग टू 3.66272, दिस इज द अल्टरनेट प्रेजेंटेशन, जैसे मर्जी प्रेजेंट करो अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आना है कि भैया इसको एक्सेप्ट कर लो, हमारी प्लांट ए को चूज कर लो, कहानी खत्म। अच्छा फिर सेकंड में वो कह रहा है पीवीसी इससे कम है, कहता है व्हाट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं कंसिडर करोगे जो फाइनल डिसीजन से पहले, तो आप बोलोगे देखो भाई मेरी बात सुनो, यहां पर प्लांट ए में जो है सेकंड शिफ्ट नहीं चला रहे, तो कल को अगर डिमांड बढ़ती है, अगर ग्रोथ होती है, तो हम प्लांट ए में सेकंड शिफ्ट चला के हम एक्सपैंड कर सकते हैं, यहां पर वो भी कंस्ट्रेंट हो जाएगा, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है, ये भी लिख देंगे। तो जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आया आ जाओ थल्ले, आओ मैं रिपीट करूंगा इस बार लिखवाते हुए, हियर वी गो। सो गाइस प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी, आप प्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं इज योर कॉल, तो आप ऐसे कह सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस, दोनों प्लांट्स का निकालना है
कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस ऐसे निकाला जा सकता है, इनिशियल कॉस्ट प्लस एडिशनल, जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है वो क्या बोल रहा है, एडिशनल डायरेक्ट लेबर एंड कैश ओवरहेड्स कॉस्ट। तो एडिशनल डायरेक्ट लेबर प्लस कैश ओवरहेड्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर ऑफ माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है भाई यहां पे 10% है फॉर 10 ईयर्स। सो इन दिस केस पहले प्लांट ए देख लो कितना हो गया भाई, प्लांट ए इज इक्वल टू आप ऐसे कह सकते हो 60 लाख रुपीज प्लस 35 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6.1446। तो ये हमने निकाला था 35 × 6.1446 प्लस 60 275.061। तो 275.061 ठीक है जी। तो ये हो गया 2,75,06,100 जैसे आप बोलो ठीक है जी। अब बढ़ते हैं प्लांट बी की तरफ, प्लांट बी का कैसे करेंगे, प्लांट बी ऐसे कह सकते हो आप, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आप देख सकते हो 44 लाख है। सो 44 लाख प्लस 38,20,000 है मल्टीप्लाइड बाय 6.1446। सो अगेन 38.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.1446 प्लस 44 इज इक्वल टू 272,372। सो 278,72,372। आप इसी बेसिस पे, आपको इंक्रीमेंटल करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भैया एक्सेप्ट कर लो क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस कम है। तो एडवाइस एक्सेप्ट प्लांट ए एज इट हैज अ लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। सिंपल एक प्रेजेंटेशन आपकी ये हो सकती है। अभी हम लोग ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका ए पार्ट कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली दिस इज ए पार्ट, अभी सिर्फ ए पार्ट है। अब बी पार्ट की भी बात करेंगे। सो गाइज बी पार्ट में हम लोग, अच्छा बी पार्ट से पहले मैं इसको इंक्रीमेंटल एनालिसिस से भी करा देता हूं। आइए इसका तो मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूं और करके आप लिख सकते हैं इसको करना चाहे तो, यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं ओके। और स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ परचेजिंग प्लांट ए, हम लोग सोच रहे हैं कि प्लांट ए खरीदें, इंक्रीमेंटल एनालिसिस करने वाले ना, एज अगेंस्ट प्लांट बी। अगर प्लांट बी के अगेंस्ट जो है हम लोग प्लांट ए खरीदें तो कौन सा बेटर रहेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज 1, 2, 3, 4 हियर वी गो, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक टाइम का कॉलम, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम और एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम, ऐसे बना सकते हो। इसमें अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कह सकते हो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस अगर देखें तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, आपकी इंक्रीमेंटल
investment in A against B. भाई जीरो पीरियड पे कितना, जब एक रुपए की प्रेजेंट वैल्यू एक रुपया है तो 16 लाख रुपीज यहां पर जाने वाला है. आप देख सकते हो ना 60 माइनस 44 तो 16 लाख का इंक्रीमेंटल कैश आउटलोज हो जाएगा. तो इसे आप कह सकते हैं ब्रैकेट में भी 60 लाख माइनस 44 लाख. ओके सो ये आपका आ जाता है इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस. बढ़िया 16 लाख हो गया. इसके अगेंस्ट फिर आप इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस भी ले सकते हो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस कहो या मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस की जगह आप इसको जो है ऐसे भी कह सकते हो एनुअल सेविंग्स. इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, भाई डायरेक्ट लेबर एंड कैश ओवरहेड्स लिखने की जगह सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट कह देता हूं ना, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट रादर, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट. 1 to 10 इयर्स आप इसको यहां पर देखो 38.2 लाख माइनस 35 लाख, सो दिस इज 6.1446. This is something like 3,20,000 और present value तो अभी निकाल ही रहे हैं. So you see you can play like this. Okay. So my dear friends, this is something like 3,20,000 multiplied by 6.1446 is equal to 1966 272. Okay, 1966 272, this is 1966 272. Isse aap keh sakte ho incremental present value of cash inflows. और फिर आप ऐसे कह सकते हो दिस यू कैन कॉल इंक्रीमेंटल कैश आउटलोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस को ए कह सकते हो आप, ठीक है, और इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को बी कह सकते हो, और लास्ट में कह सकते हो एनपीवी विच इज बी माइनस ए. ठीक है गाइस, अब इसमें से आप अगर माइनस कर दोगे 16 माइनस 16 तो ये आ गया 3,66,272. सो ये हो जाने के बाद आप एडवाइस वही दे दोगे, सेम एडवाइस, भैया अगर ये एनपीवी पॉजिटिव है तो प्लांट ए चूज कर लो, अगर ये एनपीवी नेगेटिव होता तो कहते प्लांट बी चूज कर लो, है ना जी. तो आपने कहना चूज प्लांट ए, खत्म. अच्छा फिर बारी आती है सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है आपको, कह रहे यार एक बात बताओ, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन. यार फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने हैं, देखते हैं. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हमने कहा भाई प्लांट ए सिंगल शिफ्ट ही काम कर रहा है, तो कल को अगर एक्सपैंड होता है, अगर ग्रोथ इंडस्ट्री है इनकी, तो इनके लिए ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा. प्लांट ए खरीदा तो कल को डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी, तो दे हैव गॉट स्पेयर कैपेसिटी. आइए इसी बात को लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में. अपार्ट फ्रॉम प्लांट ए हैविंग लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस कमा इट हैज, इसके लोअर पीवीसीओ होने के साथ साथ में इट हैज द कैपेबिलिटी of meeting additional demand. हमारे को क्या है, additional demand भी हम लोग meet कर सकते हैं, additional demand or making additional output
और मेकिंग एडिशनल आउटपुट बाय वर्किंग अनदर शिफ्ट. As against plant B, comma, which is already operating two shifts. Full stop. तो हम लोग जो है भाई expand कर सकते हैं इस केस में. ये हमें एक एडवांटेज है एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स इक्वलाइज बाय मेक और बाय प्रपोजल. आपके पास दो ऑप्शंस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन, मेक करें या बाय करें. जिसका भी पीवीसीओ कम है वो चूज करें या फिर एज द केस में भी इंक्रीमेंटल एनालिसिस कर लें. ओके गाइज, आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं. ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. अ फर्म हैज टू डिसाइड, वो कह रहे हैं हमें डिसाइड करना है वेदर, क्या चीज. अ फर्म हैज टू डिसाइड वेदर टू मेक अ कंपोनेंट, बनाए इटसेल्फ और बाय इट इन. मेक करें या बाय करें, बड़ी सिंपल सी बात है भाई. हम लोग मेक करें या आउटसोर्स कर दें कि भैया खरीद लें. मेक ऑप्शन में क्या होगा, कहते हैं मेक ऑप्शन अगर करोगे ना तो आपकी कैपिटल कॉस्ट होगी. कितनी कॉस्ट होगी, 10 लाख रुपए की कैपिटल कॉस्ट होगी इक्विपमेंट की. इमीडिएटली आपको पैसा देना पड़ेगा 10 लाख रुपए जीरो पीरियड पे. अच्छा, इक्विपमेंट लास्ट करेगा 4 इयर्स, इक्विपमेंट की 4 साल की लाइफ होगी. नो रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं होगी. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 13 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर में है, 14 लाख रुपीस सेकंड ईयर में है, 17 लाख रुपीस थर्ड ईयर में है और 18 लाख रुपीस फोर्थ ईयर में है. कहता है अब ये कॉस्ट जो है ये सब कुछ कवर कर लेती है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अदर नहीं है. नो अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे आप बोलो डिसीजन मेकिंग अगर इन्होंने किया, डिसीजन लिया मेक करने का. अगर कंपोनेंट बाय करेंगे तो बाय करने में क्या होगा गाइस, नो इमीडिएट आउटले, कोई इमीडिएट आउटले नहीं होगा. 17 लाख रुपए की इनकी कॉस्ट खर्च होनी है 1 और 2 में और 22 लाख रुपीस की कॉस्ट खर्च होनी है 3 और 4 ईयर में. अब कह रहे हैं वो डिस्काउंट रेट 15% है अपार्ट फ्रॉम इनिशियल आउटले. ऑल कॉस्ट जो है ईयर एंड पे हो रही है, तो ये सारे के सारे मेक की कॉस्ट ये इनिशियल में ये 0 पीरियड पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है और ये 1 और 2 पे है ईयर एंड पे, और ये जो है 3 और 4 पे है. खत्म हो गई बात. अब वो कह रहा है यार शुड द कंपोनेंट बी मेड इन हाउस और शुड द कंपोनेंट बी बॉट इन. तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको इंक्रीमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो, आप चाहो तो पीवीसीओ निकाल के भी कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से भी कर सकते हो, आप इंक्रीमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो. तो कैसे करते हैं, लेट अस सी, हियर वी गो. सो गाइज, अगर आप चाहो तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस निकाल लो. कैसे करोगे, 10 लाख रुपए 0 पीरियड पे है ना. आप क्या करोगे, आप कहोगे 10 लाख रुपए 0 पीरियड पे प्लस 13 लाख इंटू फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर जो भी है, ठीक है, प्लस जो भी है हमारा 14 लाख इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, प्लस 17 लाख इंटू थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर, प्लस चौथे साल का 18 लाख इंटू फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर. ऐसे करके आप इसको निकाल लोगे, ये मेक ऑप्शन का पीवीसीओ आ जाएगा. ठीक है, मैं यहां पर कैलकुलेशन बता भी देता हूं. 1 डिवाइड बाय 1.15 0.8696. आप चाहो तो 3 डेसिमल लो, 870 करना है वो आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू 0.7561. फिर 0.6575, फिर 0.5718 कह देता हूं. आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, यही आनी चाहिए. और बाय ऑप्शन में 17 लाख इंटू फर्स्ट और सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो एनुटी कर देंगे 1 डिवाइड बाय 1.15. आपके पास तो जीटी है तो इज इक्वल टू जीटी. मैं इज इक्वल टू एम प्लस कर रहा हूं और फिर मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं 1.6257. इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और प्लस कर दो
22 lakh into थर्ड और फोर्थ का पीवी फैक्टर. तो दिस इंटू अब क्या करेंगे, 1/1.15 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हवाई फायर, तीसरा मेमोरी में, चौथा मेमोरी में, मेमोरी रिकॉल 1.2293 कह देता हूं, 1.2293 इनका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपका यही आ जाना चाहिए. तो भैया सस्ता कौन है, मेक ऑप्शन, तो मेक ऑप्शन शुड बी चोजन, खत्म हो गई बात. चाहो तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो. इंक्रीमेंटल एनालिसिस में क्या कहोगे, अगर मैंने मेक किया तो मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान होगा जीरो पीरियड पे. अगर मैंने इंक्रीमेंटल एनालिसिस करना है तो 10 लाख रुपए मेरा इंक्रीमेंटल में ये शुरू में नुकसान होगा. अच्छा, लेकिन अगर मैंने मेक किया तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख खर्च होगा इंस्टेड ऑफ 13 लाख खर्च होगा इंस्टेड ऑफ 17 लाख, मीन्स 4 लाख की बचत. दूसरे साल में 14 खर्च होगा इंस्टेड ऑफ 17, 3 लाख की बचत. तीसरे साल में 17 खर्च होगा इंस्टेड ऑफ 22, 5 लाख की बचत. और चौथे साल में 18 लाख खर्च होगा 22 की जगह 4 लाख की बचत. और फिर इनको इनके रिस्पेक्टिव पीवी फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते जाओगे और इसमें से आप ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दिस इंटू पीवी फैक्टर, इसमें से ये 10 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो इनका जो गैप है वो एनपीवी आ जाना चाहिए. कहने का मतलब 5468150 माइनस 5336010 ये आना चाहिए 132140 एनपीवी मेक ऑप्शन का. तो आप कहोगे मेक ऑप्शन का एनपीवी पॉजिटिव है, एक्सेप्ट द मेक प्रपोजल, मेक ऑप्शन. जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, नहीं तो आ जाओ थल्ले, मैं रिपीट कर रहा हूं. आइए लिखवाते हुए, हेयर वी गो. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ मेक और बाय प्रपोजल. ओके गाइस, सो लेट अस सी. सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, बाय प्रपोजल के दो कॉलम्स बना लेने हैं, मेक प्रपोजल के दो कॉलम्स बना लेने हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का बनाना है, एक टाइम का बनाना है. कहानी खत्म. पर्टिकुलर्स, टाइम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू. ओके गाइस, अब क्या करना है आपने, मेक ऑप्शन. बाय ऑप्शन, सो दोस्तों सबसे पहले आएगा यहां कैश आउटलोस. इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, जो कि जीरो पीरियड पे जब 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया है तो 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है. खत्म बात, यही प्रेजेंट वैल्यू है, ओवर. फिर इसके बाद जो है एनुअल मैन्युफैक्चरिंग, या तो मैन्युफैक्चर करेंगे ओब्लिक परचेज कॉस्ट, तो या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, परचेज कॉस्ट. सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमने निकालना है 1/1.15, ये है 0.8696. इज इक्वल टू 0.7561 इज इक्वल टू 0.6575 इज इक्वल टू 0.5718. ठीक है गाइस, तो ये हमारा आ जाता है जो भी है. तो अब इनको हमने 13 लाख फर्स्ट ईयर है, 14 लाख सेकंड ईयर है मेक ऑप्शन में, 17 लाख थर्ड ईयर है और 18 लाख फोर्थ ईयर है. इससे मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली. और बाय ऑप्शन में 17 लाख फर्स्ट ईयर से, 17 लाख सेकंड ईयर में ही, फिर 22 लाख थर्ड ईयर में और 22 लाख फोर्थ ईयर में. इनसे मल्टीप्लाई करना और प्रेजेंट वैल्यू निकाल देनी है. ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस.
Kallas. So let us do the maths. 10 lakh memory, 13 lakh multiplied by 0.8696 is equal to memory. ये हमारा आ रहा है something like 11,30,480. 11,30,480. अच्छा और लो, तो ये हमने मेमोरी रिकॉल ये दोनों ले लिया 21. 14 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.7561 इज इक्वल टू मेमोरी में डाल दिया 10,58,540. इसी तरीके से 17 लाख इंटू 0.6575 इज इक्वल टू मेमोरी में डाल दिया 11,17,750. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 18 लाख इंटू 0.5718 इज इक्वल टू 10,29,240. इसको मेमोरी में डालना है, मेमोरी रिकॉल करना है 53,36,010. 53,36,010. डन है. अच्छा इसके अगेंस्ट में अगर हम दूसरा वाला लें 17 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8696 इज इक्वल टू 1478,320. इसको हम लोगों ने मेमोरी में डाल दिया. 17 लाख इंटू 0.7561 दिस इज ऑल्सो मेमोरी में डाल दिया 1285,370. तीसरा साल 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.6575 इज इक्वल टू 1446,500. इसको मेमोरी में डालना है, डाल दिया. और फिर 22 लाख इंटू 0.5718 इसको भी मेमोरी में डालना है 1257,960. अब मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये हमारा 5468,150 आ गया. और अगर आप इनका गैप देखोगे तो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा था जो कि इतना गैप है 132,140 अगर निकालना है तो. जस्ट फॉर नॉलेज, वैसे हम नहीं निकालेंगे इसको, ये तो मैं जस्ट सेकंड प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं. तो ये हमारा कम है तो आपने कहना है चूज एडवाइज ऑब्वियसली मेक ऑप्शन मेक करो भाई, कम खर्चा है. Kallas. So that finishes off this question. But अब incremental analysis से भी आपको करके दिखा देते हैं. अगर incremental analysis करना हो तो कैसे कर सकते हैं? Equal life proposals को आप incremental analysis कर सकते हो. I am taking the next page. Here we go. So guys, statement showing evaluation of make option as against buy option. मेक ऑप्शन का करेंगे एज अगेंस्ट बाय ऑप्शन, देखते हैं. हियर वी गो. एक, दो, तीन और ये चार पर्टिकुलर्स. टाइम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू. सो ये आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस. देखो भाई इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस क्या है. अगर आपने मेक किया एज अगेंस्ट बाय तो मेक में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट खर्च करनी पड़ेगी 10 लाख रुपए जीरो पीरियड पे, है ना जी. तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये खर्च होगी जीरो पीरियड पे, जब एक रुपए की प्रेजेंट वैल्यू एक रुपया है तो 10 लाख रुपए खर्च होगा. Kallas है, ये आपका इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस आ गया.
आप इंक्रीमेंटल वर्ड ना भी लिखना चाहो यहाँ पर, वो भी आपकी मर्जी है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज लिख दोगे वो भी चलेगा, बोल ही दिया इंक्रीमेंटल कर रहे हैं, तो नहीं लिखोगे इंक्रीमेंटल शब्द बार बार चलेगा, सिर्फ कैश आउटफ्लोज लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अब मैंने लिखना शुरू किया ही हुआ है तो मैं इंक्रीमेंटल कर ही लेता हूँ, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। इसमें बेसिकली क्या है, एनुअल सेविंग्स एंड कॉस्ट, एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट, सो दिस इज व्हाट 17 लाख माइनस 13 लाख, ये फर्स्ट ईयर में है 4 लाख, देन 17 लाख माइनस 14 लाख सेकेंड ईयर में है 3 लाख, देन 22 लाख माइनस 17 लाख थर्ड ईयर में है 5 लाख, देन 22 लाख माइनस 18 लाख फोर्थ ईयर में है 4 लाख। ओके गाइस, सो लेट्स टेक टॉक अबाउट दिस 0.8696, 0.7561, 0.6575, चौथा क्या था, 1/1.15, 1, 2, 3, 5718। बस अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और ये कह देना आपने इंक्रीमेंटल, फिर से बोल रहा हूँ इंक्रीमेंटल एग्जाम में आप स्किप कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इसको हम लोग बी कह देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस को ए कह देते हैं, एनपीवी कह देंगे इंक्रीमेंटल एनपीवी बी माइनस ए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8696, ओप्स, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8696 इज इक्वल टू 60, ओह मैंने 4 लाख करना था, मैंने कुछ और कर दिया, फिर से करते हैं, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8696 347840, इसको फिर आपने मेमोरी में डालना है, ये मेमोरी में डाल दिया, 3 लाख इंटू 0.7561, ये 226830 है, 226830, ये भी मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी रिकॉल ठीक जा रहा है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.6575, 328750, 328750, इसको भी मेमोरी में डाल दो मेमोरी, और फिर 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5718 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डाल दो, 228720, 228720, और फिर मेमोरी रिकॉल करके देख लो, 1132140, इट मींस आपका 1,32,140 का एनपीवी आ गया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी निकाल लिया था, और उस हिसाब से आपका जो है एडवाइस जाएगा मेक द कंपोनेंट, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। और गाइस एक बार अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा इक्वलाइज प्रपोजल को कैसे डील करते हैं, या तो पीवीसीओ निकाल लो, अगर आपको आउटलोज दिए हुए सिर्फ तो पीवीसीओ निकाल लो, जिसका पीवीसीओ कम है वो चूज कर लो, या इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल एनालिसिस से आप चेक कर लो कि भाई इंक्रीमेंटल एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, अगर आपके अनइक्वलाइज प्रपोजल्स हो तो उस केस में दो मैकेनिज्म है, एक को हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट चेन मेथड, ठीक है, दूसरे को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस मेथड। रिप्लेसमेंट चेन इज वेरी लेंथी, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि टेक एन एग्जांपल, एक मशीन है 2 साल की, एक मशीन है लेट्स से 4 साल की, एक मशीन खरीदेंगे तो 2 साल चलेगी, दूसरी मशीन 4 साल चलेगी,
तो आप ऐसा अजम्पशन ले लेते हो कि दो साल बाद यही दो साल वाली एक और मशीन ले लेंगे, अब इक्वल लाइव हो गया, रिप्लेसमेंट चेंज कर दी कि टू इयर्स वाली एक मशीन, फिर टू इयर्स एक और मशीन, अब फोर इयर्स हो गया, ये फोर इयर्स हो गया, अब इनके पीवीसीओ निकाल लो, कंपेयर कर लो, ये बड़ा लेंदी है, ठीक है जी। और इसकी जगह पे या फिर दूसरा इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस मेथड में क्या होता है, पीवीसीओ डिवाइड बाय पीवीएफ करोगे तो आपका जिसका भी लोअर इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ है, जिसका भी ये इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ होता क्या, हर साल के इनके कैश आउटलोस जिसके भी लीस्ट हैं, जिसमें एनुअल खर्चे कम है, वो हमारे लिए बेस्ट है। नाउ लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट चेन एंड दिस इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोस। अब आप सब लोग पता है, आप सब लोग बड़े समझदार हैं और आप सब लोग आज की डेट में गरम सितारा को जानते होंगे, हॉट स्टार है, तो डिज्नी हॉट स्टार, अब तो रिलायंस हॉट स्टार, जो मर्जी कह दो हॉट स्टार। तो हॉट स्टार जो है ये, इसका सब्सक्रिप्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसके सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन आई हुई है, क्या आई हुई है अभी, ये आई हुई है कि भाई आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लो या दो साल का ले लो, एक साल का ले लो तो ₹1000 में ले लो पूरे साल का, अभी ₹2000 खत्म बात, या फिर दो साल का ले लो तो दो साल का आप 1700 में ले लो, एंड लेट्स से योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20% पर एनम, सिंपल। अब वो आपको कहता है यार मुझे बताओ, या तो अभी ₹1000 दो एक साल का सब्सक्रिप्शन, या फिर 1700 दो साल का सब्सक्रिप्शन, कौन सा लूं? तो इसको इवेल्युएट करने के दो तरीके हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट चेन मेथड, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं यार एक काम करते हैं, आज एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जीरो पीरियड पे 1000 देते हैं और फिर वन पीरियड पे ₹1000 और देते हैं, ठीक है, तो दिस इंटू वन प्लस 1000 इंटू, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% के हिसाब से 1 डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू 0.8333 ले लेता हूं, 8333, तो ये आपके टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलोज हो जाएंगे वन ईयर वाले सब्सक्रिप्शन, अगर आप वन ईयर का टू इयर्स में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1000 दैट इज टू से 1833.33। अब वुड यू लाइक टू हैव दिस या पीवीसीओ 1700? तो आप कहोगे भैया मेरे को तो लोएस्ट पीवीसीओ चाहिए। अब ये रिप्लेसमेंट चेन मेथड था कि भाई अभी लिया फिर चेन बना के दोनों की लाइफ इक्वल बनाने के लिए एक साल और ले लिया, ये बड़ा लेंदी है, तो मैंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया। आप सोचो 8 इयर्स और 9 इयर्स हो, अगर 8 इयर्स और 9 इयर्स हो है तो यार 8 साल के 9 और 9 साल के 8 यार जानलेवा हो जाएगा, इज रियली सिली, not advisable. तो in this case what we do is, in this case हम लोग ये PVCO आ गया, ये हमारा present value of cash outflows है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको years of benefit के PVF से divide कर दो, मतलब इसको present value annuity factor of 20% for 1 year से और इसको present value annuity factor of years of benefit 20% for 2 years से, तो हमने क्या करना है, ये तो हो गया 0.8333 से डिवाइड हो गया 8333, और ये देखते हैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल किया तो 1.52778 कह देता हूं, ठीक है गाइस। अब ये कितना आ जाएगा, तो 1200 आ जाएगा, सिंपल सी बात, आप देखोगे ये तो EAPVCO जो है इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.833333333, तो ये तो 1200 आ गया। अच्छा दूसरा फिर 1700 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 1113 कह देता हूं, इज इक्वल टू 1113, तो यार यही बेस्ट है जो मैं आपको कह रहा था भाई, टू ईयर सब्सक्रिप्शन सस्ता है ना, अगर आपने रिप्लेसमेंट चेन मेथड लगाना है तो भी, अगर आपने ऐसे करना है जिसका जिसका लोएस्ट है वो आपने चूज कर लेना, दैट इज हाउ वी प्ले आर गेम। तो यही चीज अब आप लोग पढ़ रहे हैं अगले सवाल में, रिप्लेसमेंट चेन मेथड, ये आपके रिप्लेसमेंट चेन से नहीं करेंगे हम लोग, ये पीवीसीओ से करेंगे, ये आपके कोर्स में एक्सप्लिसिटली रखे हुए इसके क्वेश्चंस, ये आ सकता है, ये इंटरमीडिएट में भी था, ये फाइनल में भी है।